अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज फराज अमान फ्रॉम IMS ग्रुप C106, मोहम्मद अली कुरैशी एंड कम्युनिटी हेड 7, जवेरिया अफमान। सो माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज करिकुलम अपग्रेडेशन थ्रू कुरान एंड सीरा, एंड हियर इज सम की पॉइंट्स ऑफ माय प्रेजेंटेशन व्हिच आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ये बताना है कि कुरान पाक से और सीरा से हमने अपना एग्जिस्टिंग करिकुलम कैसे अपग्रेड करना है और क्यों करना है, ये भी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगी। और कुरान पाक से हमने वैल्यू सिस्टम कैसे लेना है और कैसे अपनी एजुकेशन सिस्टम में पुट करना है, और हमारा एग्जिस्टिंग करिकुलम में क्या ऐसी शॉर्टकमिंग्स हैं कि हमें इसमें करिकुलम अपग्रेड करने की ज़रूरत पेश हुई, और इसमें हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में मीडिया का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्यों ज़रूरी है, और इसके अलावा डिफरेंट एज ग्रुप्स और उनके बच्चों के क्वेश्चन लेवल्स के अकॉर्डिंग उनको कैसे और कौन सा करिकुलम देना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं अपनी प्रेजेंटेशन का पर्पस इंशाल्लाह बताऊंगी, और मेरा पर्पस 3 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। वाई, व्हाट एंड हाउ। वाई में इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि मैं ये प्रेजेंटेशन क्यों प्रेजेंट कर रही हूँ, और इसका जवाब ये है कि जब सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज अल्लाह है तो हमारे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम के करिकुलम में सेक्युलर मेथड्स क्यों हैं। ट्रू नॉलेज ही वही है जिससे अल्लाह की पहचान हो, तो हमारे मौजूदा करिकुलम से अल्लाह की पहचान हो रही है, यानी साइंस में अल्लाह क्यों नहीं, जबकि साइंस भी अल्लाह के दिव्य इल्म से निकाली गई है, जैसे कुरान पाक, बाइबल। और सेकंड पॉइंट ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में इसके करिकुलम में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्यों पढ़ाई जा रही है, जबकि ये थ्योरी अल्लाह की थ्योरी के अगेंस्ट है कि खलक अल इंसान हमें अलग, अल्लाह पाक ने इंसान को नुतफा से पैदा किया। तो आज तक हमारे बच्चे ये क्वेश्चन क्यों नहीं रेज कर रहे, वो अपने करिकुलम में ये क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसी वजह से कि उनकी कुरान पाक से दूरी है। और जब स्टूडेंट्स एजुकेशन सिस्टम से निकलते हैं तो उनकी किसी डायमेंशन में भी, यानी उनके मॉरल, सोशल, इमोशनल किसी एस्पेक्ट में भी उनकी ग्रोथ नहीं हुई होती, और ना ही उनके पास कोई स्किल्स होते हैं, वो बस मेंटली स्लेव्स बन चुके होते हैं। वो चाहते हैं कि अब हमें कोई 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार की बस जॉब मिल जाए, वो काफी है और हमारी जिंदगी बन जाएगी, उनकी सोच यही होती है। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट, मैं क्या प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो इसमें एक ऐसा रोड मैप देने जा रही हूँ जो इन तमाम चैलेंजेस को, जो हमारे एग्जिस्टिंग करिकुलम और एजुकेशन सिस्टम में है, उसको एड्रेस करे, यानी कुरान पाक से और सीरा से और इस्लामिक हिस्ट्री से करिकुलम हमें लेना है, क्योंकि हम सबको बताया जाता है ना शुरू से कुरान पाक में शुरू से आखिरत तक के तमाम मसाइल का हल है, और इस वक्त का सबसे बड़ा मसला ट्रू नॉलेज की कमी है, क्योंकि अल्लाह की पहचान नहीं हो रही। इसका मतलब है हम ट्रू नॉलेज बच्चों को नहीं दे रहे, और बच्चों की और हम सब की कुरान पाक से दूरी है, हमारी बोरियत है कुरान पाक से, हम बोर हो जाते हैं, जो कि एक किताब ही नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है। इसी में ही हम सब का पर्पज ऑफ लाइफ है, इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के दरवाजे हैं, और इसी में ही हम सबका सेल्फ रिफ्लेक्शन है, और इसी में ही हर एक इंसान के तमाम कंफ्यूजन और तमाम सवालात के जवाब है, और हमने इन जवाबों को ढूंढना है और इन कामयाबियों के दरवाजों को खोलना है, जो कि ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है। और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम हर अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट के लिए कुरान पाक खोलना शुरू करते हैं, और इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए नबी पाक को फॉलो करना शुरू करते हैं। हमारे बच्चों को इस एग्जिस्टिंग करिकुलम के लिहाज से और एजुकेशन सिस्टम में ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने और कुरान पाक में जो छुपे राज हैं और उन कामयाबियों को, उनके दरवाजों को खोलने के लिए तैयार ही नहीं किया जा रहा, कि जिनसे मुसलमान कुरान पाक और अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव, हम अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव हैं ना मुसलमान, हम पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकें
और पूरी दुनिया को अल्लाह के हुक्म के ताबे ला सके। हम अपने आप को ही नहीं अल्लाह के हुक्म के ताबे ला पा रहे, हम पूरी दुनिया को कैसे लाएंगे? नॉन मुस्लिम्स कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे और ना ही वो पढ़ते हैं, लेकिन वो मुसलमानों को जरूर पढ़ते हैं, वो हम सबको पढ़ते हैं। और जब नबी पाक पर वही नाजिल होना शुरू हुई तो लोगों के पास रिटर्न फॉर्म में कुरान पाक नहीं था, तब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के ही ईमान ला रहे थे, क्योंकि नबी पाक चलता फिरता कुरान पाक थे। और अब मैं इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करूंगी कि इस रोड मैप में बच्चों की इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ को तरजीह दी गई है, स्टूडेंट्स की उनके सर्वाइवल कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एबिलिटीज, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, और उनकी उनके साइकोलॉजी को ट्रू नॉलेज के जरिए सुपीरियर बनाने की तरफ तवज्जो दी गई है। और बच्चों के क्वेश्चन लेवल्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंट, एडवर्सिटी, सोशल क्वेश्चन के मुताबिक उनको करिकुलम मुहैया करने की तरफ हम इंशाल्लाह खास तवज्जो देंगे। और सबसे अहम बात, बच्चों का विजन ब्रॉट अप करना कुरान पाक से, सीरा से, इस्लामिक हिस्ट्री से, इंशाल्लाह हम अपना करिकुलम लेंगे। और करिकुलम इस तरह से नहीं लेना कि हमने बिल्कुल ही चेंज कर देना है, बल्कि हमने अपने एग्जिस्टिंग करिकुलम में ही ये सारे एस्पेक्ट ऐड करने हैं, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री को, कुरान पाक को, सीरा को, हर टॉपिक से रेलिवेंट जो जो आयात हैं उनको ऐड करना है। और उस ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम करिकुलम ऐसा बना भी लें तो। सेकंड हमारी चीज़ होती है कि उनको कन्वे करने का तरीका, टीचर ट्रेनिंग, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में ये भी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, इस रोड मैप में हमारा गोल है अल्लाह की पहचान। इसमें भी हमें तीन क्वेश्चंस, और ये हाउ का आंसर है, मेरा जो पर्पस है उसमें मैंने व्हाई और व्हाट के आंसर दे दिया, अब ये मेरा हाउ कि कैसे मैं अपना रोड मैप अप्लाई करूंगी इंशाल्लाह, ये उस क्वेश्चन का आंसर है। और अल्लाह की पहचान में भी, इस रोड मैप में अल्लाह की पहचान क्यों जरूरी है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है टू अचीव सक्सेस, के कामयाबी हासिल करने के लिए। और कामयाबी की ट्रू डेफिनेशन, कामयाबी के खालिक की पहचान बहुत जरूरी है। इसके अलावा जिंदगी के मकसद को हासिल करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत जरूरी है कि अपनी नजरें उस गोल पे रख के, अपनी मंजिल पे रख के खुद को उस मंजिल पे खड़ा करना बहुत जरूरी है, और उसके मुताबिक अपनी आज के मामलात को डील करना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे होगा? बाय गेटिंग इन टू प्रीवियस सिस्टम, कि हमारा जो प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम है इसमें हम डीपली जाएंगे और इसको स्लोली चेंज करेंगे। तो क्या है इसमें, सबसे अहम पॉइंट ये था कि ये सेकुलर मेथड प्रिवेलेंट है, कि इस्लामियत की बुक सेपरेट है, अरेबिक तर्जमा तफसीर की बुक सेपरेट है, और साइंस की सेपरेट है। बच्चों को साइंटिस्ट ही खुदा बना के दिखाए जा रहे हैं, उनको ये नहीं बताया जा रहा कि ये साइंटिस्ट ने जो थ्योरीज और फार्मूलाज लिए हैं ये कुरान पाक या अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए नॉलेज था, जिनको यूज करने के बाद साइंटिस्ट ने हमें ये एक्सप्लेनेशन दी। और ये कुछ ही नॉलेज उन्होंने यूज किया, हमारे पास तो समंदर है इस नॉलेज का, हमने भी यूज करना है और हमने भी इस तरह की इन्वेंशंस करनी है। इसमें नेक्स्ट आ जाता है स्टेप्स, कि अल्लाह की पहचान के स्टेप्स क्या होंगे। और हमारे पास बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल है नबी पाक की एग्जाम्पल, नबी पाक ने कैसे स्टेप बाय स्टेप, जब उन पे वही नाजिल हुई उन्होंने नॉलेज गेन किया, अंडरस्टैंड किया अल्लाह की पहचान के लिए, और उस नॉलेज को प्रैक्टिस किया। तो इसमें गेट टू अंडरस्टैंड नॉलेज फॉर नोइंग अल्लाह, इसमें सेल्फ लर्निंग और टीच अदर्स। सेल्फ लर्निंग कैसे होगी? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, रीडिंग के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, लिसनिंग के थ्रू। और जब हम जो कुछ सीख रहे हैं, जो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जब दूसरों को पहुंचाते हैं तो उससे हम मजीद अच्छे से सीख पाते हैं। नेक्स्ट है कि एज वाइज करिकुलम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेवल्स, ये नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। और हाउ सेक्युलर सिस्टम विल चेंज, कि कैसे ये चेंज होगा, इसमें मेथोडोलॉजी मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसमें करिकुलम अपग्रेडेशन आ जाता है, और टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग इंशाल्लाह एक और टॉपिक है, इस पे भी प्रेजेंटेशन देंगे। पहला है, इस प्रेजेंटेशन में फोकस है हमारा करिकुलम अपग्रेडेशन पे। तो इसमें हमने कुरान पाक से और सीरा से हमारे एग्जिस्टिंग करिकुलम में जितने भी टॉपिक्स हैं वहां से हमने रेलिवेंट एग्जाम्पल्स ऐड करनी है, यानी बाय मैपिंग कंटेंट फ्रॉम कुरान टू द कंटेंट बी टॉट ऑलरेडी। और इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग
आ जाती है, स्किल्स लर्निंग आ जाती है। हम सबको पता है कि जब हमारे घरों में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही थी, जैसे फ्रिज खराब है, जनरेटर खराब हुआ है, या कोई भी चीज खराब हुई है, तो हमें स्पेशल मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है। हम अपने बच्चों को ये बेसिक स्किल्स क्यों नहीं सिखाते एजुकेशन सिस्टम में? और इसके अलावा मजीद स्किल्स हर तरह की, जैसे अब टेक्नोलॉजी नेक्स्ट प्रिवेल होने वाली है, तो हम टेक्नोलॉजी का नॉलेज क्यों नहीं दे रहे बच्चों को, और उन वो सोशल मीडिया को गलत यूज क्यों कर रही है? इसके जिम्मेदार भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम हैं। और ये बजट के लिहाज से इंशाल्लाह इसको भी हम मजीद इस पे भी बात करेंगे अपने प्रपोजल में। तो यहाँ पे अब करिकुलम की बात है, तो इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनियर और लॉजिक के थ्रू करवानी है बच्चों को। इसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। के प्राण पाक से है एक आयत सूरह बकरा वर्स 260। हजरत इब्राहिम ने अपनी अंडरस्टैंडिंग की तलाश अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की, अंडरस्टैंडिंग की तलाश में अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की कि वो इन्हें दिखाएं कि वो मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। अब ये आप इसमें आप देखिएगा कि कैसे अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम को एक्टिविटी करवा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि चार परिंदे लें और उनके टुकड़े कर दें, टुकड़ों को मिला दें, फिर इन मिले जुले टुकड़ों को के कुछ हिस्से चार मुख्तलिफ पहाड़ियों पर रख दें। फिर हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया गया कि परिंदों को बुलाएं और वो तेजी से आपके पास आए। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और अल्लाह के हुक्म से परिंदों का हर एक हिस्सा अपने मुतलका परिंदे की तरफ लौट गया। इस मौजजाती वाक्य को ऑब्जर्व करते हुए हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की कुदरत पर यकीन का इजहार किया। और ये एक्टिविटी हजरत इब्राहिम के गहरे ईमान, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को वाजिया तौर पर समझने और समझने की ख्वाहिश को वाजिया करता है। और एनुअल यकीन के लिए ऐसी बात नहीं कि हजरत इब्राहिम को यकीन नहीं था अल्लाह ताला पे, अल्लाह ताला ने फरमाया क्या क्या तूने क्या तुझे यकीन नहीं, तूने यकीन नहीं किया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया क्यों नहीं, लेकिन इसलिए कि मेरा दिल पूरी तसल्ली कर ले। हमारे बच्चे भी एनुअल यकीन चाहते हैं, जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो उनको दिखाया भी जाए, प्रैक्टिकली उनको दिखाया जाए, ताकि जो वो सुन रहे हैं उस पे यकीन कर सके, एनुअल यकीन कर सके। अब इस एक्टिविटी में आप ऑब्जर्वेशन भी नोट कर रहे होंगे, कैसे हजरत इब्राहिम ने ऑब्जर्वेशन की, क्रिटिकल थिंकिंग की, अल्लाह पाक से क्वेश्चन किया और अल्लाह ताला ने कैसे लॉजिक के थ्रू उनको आंसर किया। इसमें हमारा एज वाइज करिकुलम है, 3 to 5 ईयर्स में हम डेवलपमेंटल प्रोसेस उनके इमोशनल क्वेश्चन लेवल पे करेंगे, जिसमें हम उनमें सेंस ऑफ एम्पथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और इसके अलावा दुआज, मेमोराइजेशन की प्रैक्टिसेस करवाएंगे। और ये सब जो हम सेंसेस उनमें डिवेलप करेंगे, ये हम सबलिमिनल मैसेजिंग के थ्रू करेंगे। और मॉडर्न करिकुलम में लैंग्वेजेस आ जाती हैं, इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक और पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ बुक्स बच्चों को देंगे। और इस एज में बच्चे लिसनिंग के थ्रू ज्यादा सीखते हैं, कि जो वो देखते हैं करते हुए बड़ों को वो वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। 6 to 7 ईयर्स में डेवलपमेंटल प्रोसेस में हमारा हमने डेवलप करना है बच्चों में यूनिटी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह, उनमें ब्रदरहुड, मॉरल स्टोरीज फ्रॉम कुरान एंड सीरा। एग्जाम्पल्स हमने कुरान पाक से और सीरा से ही लेनी है हर एक टॉपिक के लिए। मॉडर्न करिकुलम में हम इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक फिर इसके साथ मैथमेटिक्स लेंगे। 7 ईयर में हम बच्चों को नमाज की प्रैक्टिसेस, यानी बच्चों को सिखाएंगे कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, और स्कूल में ही सिखाएंगे। डेवलपमेंटल प्रोसेस में इसमें स्टडी विद कुरान एंड सीरा, मॉडर्न करिकुलम में लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स और स्टोरी टेलिंग फ्रॉम सीरा, मेमोराइजिंग कुरानिक सूरह। 8 to 12 ईयर्स तक हमारा बच्चा, 7 ईयर्स तक जैसे कि नमाज फर्ज हो चुकी होती है, तो इसमें हमारा 8 to 10 ईयर में डेवलपमेंटल प्रोसेस आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्वेश्चन लेवल पे होगी, टीचिंग ऑफ पेशेंस, उनमें सब्र जैसी क्वालिटी हमने पैदा करनी है, और प्रैक्टिकली यूनाइट उन्हें, इत्तेहाद उनमें, यूनिटी डेवलप करनी है विद द हेल्प ऑफ सला एंड सदकात, यानी नमाज उनको पढ़ानी है। मोस्टली स्कूल्स में टाइम हो जाता है जोहर की नमाज का, तो हम अपनी स्कूल्स में एक प्रेयर रूम बनाएं और बच्चों को जोहर की नमाज एक साथ पढ़ना सिखाएं। मॉडर्न करिकुलम में मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट और इसमें जनरल साइंस ऐड कर देंगे हम मॉडर्न करिकुलम में। 11 to 12 ईयर में डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम उनको प्रैक्टिकल सेक्रीफाइस
सिखाएंगे और मॉडर्न करिकुलम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब्जेक्ट्स ऐड कर देंगे अलोंग विद प्रीवियस सब्जेक्ट्स। 13 to 16 ईयर में 14 ईयर में डेवलपमेंटल प्रोसेस एट एसक्यू सोशल क्वेश्चन लेवल पे होगी और उसमें हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ ज़कात सिस्टम और ज़कात हमने मैथमेटिक्स के थ्रू उनको सिखानी है, यानी मैथमेटिक्स ही उनको ऐसे सिखानी है कि ज़कात का सिस्टम उन्हें समझ आ जाए। मॉडर्न करिकुलम में हम सोशल साइंसेस लेके आएंगे, पॉलिटिकल साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है ये मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। और इसमें ये हम चॉइस रख सकते हैं कि ये ऑप्शनल हो सकते हैं, बच्चा अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनको सिलेक्ट कर सकता है। और 15 to 16 ईयर में डेवलपमेंटल प्रोसेस एट एडवर्सिटी क्वेश्चन लेवल पे होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ वाइजनेस, ये भी हम एग्जाम्पल लेंगे कुरान पाक से, एक बहुत अच्छी आयत एक फिट होती है इसमें, टाइम कम है, मैं अपने प्रपोजल में इंशाल्लाह इन सबको मजीद इलेबोरेट करूंगी। मॉडर्न करिकुलम में हम कुरान पाक और सुन्ना से हम टीचिंग्स देंगे और इसके अलावा सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स ये सब बच्चों को देंगे। करिकुलम ऑफ वैल्यू सिस्टम गिवन बाय अल्लाह, कि हम अपने बच्चों को आजकल वैल्यूज तो दे रहे हैं लेकिन हम कुरान पाक से क्यों नहीं दे रहे उनको वो आयात पढ़ा के वो वैल्यू सिस्टम की, ये अल्लाह ताला ने हमें वैल्यूज दी हैं और इनको हमने अप्लाई करना है। जैसे कि वुमेन राइट्स, अल्लाह ताला ने सूरह रेवोल्यूशन ऑर्डर में सूरह तकवीर से पहले जितने भी आयात हैं वो बिलीफ सिस्टम पे बात हुई, अकाइद पे बात हुई, अब अल्लाह ताला सोशल इशू को एड्रेस कर रहे हैं और सबसे पहला सोशल इशू जो एड्रेस कर रहे हैं अल्लाह ताला वो है वुमेन राइट्स, आया भी मैंने मेंशन कर दी रेफरेंस, और इसी तरह मैंने मजीद एग्जाम्पल्स कर दे दी हैं, यानी सूरह अल-लैल से आयत नंबर 15 to 10, इसमें स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनर और डिसरिगार्ड अल्लाह ताला ने बताए हैं। अल्लाह ताला ने कहा है कि जो तुम लोगों ने सिलेक्ट किए हुए हैं और जो तुम लोग लेके फिर रहे हो स्टैंडर्ड्स, इनको छोड़ो और जो मैं दे रहा हूँ इसको अपनाओ। और आज हमने भी वही मक्का वाले ही स्टैंडर्ड्स जो कि नबी पाक जो कि इस्लाम के आने से पहले वाले स्टैंडर्ड्स से उनको अपनाया, आज हमने भी रिवाइव करना है अपनी सोसाइटी को। इसके अलावा ये एग्जाम्पल्स हैं मजीद, सूरह निसा से जस्टिस का करिकुलम लेना है, सूरह मायदा से ऑनेस्टी ट्रुथफुलनेस डिग्निटी, सूरह अल-इखलास से तौहीद का लेना है, सूरह अल-बकरा से हमने कंपैशन काइंडनेस माइंडफुलनेस, इसी तरह मजीद कई और वैल्यू सिस्टम इंशाल्लाह हमने कुरान पाक से निकालने हैं करिकुलम इन टॉपिक्स का। इस तरह के मजीद टॉपिक्स के लिए करिकुलम हम इंशाल्लाह कुरान पाक से लेंगे। और अब आ जाती है बारी रोल ऑफ मल्टीमीडिया की, तो मल्टीमीडिया का रोल क्यों जरूरी है, इसमें अटेंशन ग्रैब करने के लिए बच्चे की, इनहेंस रिटेंशन के, इंटर एक्टिव लर्निंग हो बच्चे की, बच्चा बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा हो वो दिखाया भी जा रहा हो, इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई करके दिखाए जा रहे हैं बच्चों को। और मैंने कुछ मल्टीमीडिया टूल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, अब हर स्कूल के जाहिर है इसमें बजट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बजट के लिहाज से हम देख सकते हैं उसको मैनेज कर सकते हैं इन टूल्स को। अब मैं ये बताना चाहती थी कि एस्ट्रोनॉमी साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस को ऐड करना क्यों जरूरी है। एस्ट्रोनॉमी को फॉर वर्ल्डिंग विजन, अल्लाह ताला ने 1000 आयात एस्ट्रोनॉमी पे नाजिल फरमाई है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में एस्ट्रोनॉमी के नाम पे एक टॉपिक तक नहीं है, सब्जेक्ट तो बहुत दूर की बात। और साइकोलॉजी इसलिए कि आज हमारे बच्चे बच्चे का माइंड और उनके इमोशंस बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं बजाय इससे कि बच्चा अपने माइंड को और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके, और वो इसी वजह से है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि उसका माइंड कैसे काम कर रहा है, उसके इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल सिस्टम फॉर रिवाइविंग सिस्टम विद कुरान, आज जो सिस्टम हमें रिवाइव करने की जरूरत है वो हर एक इंसान इंडिविजुअली भी और कम्युनिटी लेवल पे भी कुरान पाक के थ्रू कुरान पाक से हेल्प लेके सिस्टम को रिवाइव करे। एस्ट्रोनॉमी में ये मैंने कुछ रेफरेंसेस दे दिए हैं कि कैसे मैंने एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक्स कुरान पाक से लिए हैं, आयात मैंने कैसे लिए हैं रेफरेंसेस, और इन इनको हम जब ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद एक्सप्लेन भी करेंगे। साइकोलॉजी माइंड इमोशनल कंट्रोल, तो ये मैंने इस्लामिक हिस्ट्री से ये साइकोलॉजी के टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन ली, वो रेफरेंसेस मैंने ऐड कर दी हैं, जैसे कि सीरोटोनिन का टॉपिक है तो हजरत नूह की स्टोरी से लेंगे, डोपामीन है तो हजरत मूसा की स्टोरी से लेंगे, और इसके अलावा भी सीरा से
इसी तरह ऑक्सीटोसिन, शुएब गाइडेंस ऑन फेयर बिजनेस प्रैक्टिस, इसी तरह टाइप इंसिडेंट जबरदस्त एग्जाम्पल है फॉर इमोशनल रिजिलियंस एंड फॉरगिवनेस, हुदैबिया फॉर स्ट्रेटेजिक एम्पैथी, और इसी तरह मजीद एग्जाम्पल्स ली हुई है। पोलिटिकल साइंस फॉर रिवाइविंग सिस्टम विद कुरान, विद द हेल्प ऑफ कुरान, इसके लिए भी हमने अल्लाह ताला ने जो आयात नाजिल की है फॉर गवर्नेंस और इस पॉलिटिकल सिस्टम को, कि सिस्टम सिर्फ अल्लाह का, तो उसके लिहाज से करिकुलम भी हम कुरान पाक से लें। ठीक है, आज के टॉपिक्स जो हम बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, तो क्यों ना उनको आयात से रिलेट करके पढ़ाया जाए कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बच्चों को ये तो बताया जाए ना, तो ये बहुत जरूरी है। और इसमें भी मैंने एग्जाम्पल्स गुड कर दी हैं, एंटी करप्शन में भी कुरान पाक से साथ मैंने रेफरेंस दे दिया है, और अकाउंटेबिलिटी, कंसल्टेशन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, इसके अलावा मजीद कई और टॉपिक्स इंशाल्लाह, ये कुछ एग्जाम्पल्स पुट किए हैं, इसके अलावा प्रपोजल में इंशाल्लाह मजीद इसमें टॉपिक्स ऐड करेंगे हम। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्यों जरूरी है, और ये ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग, लॉजिक्स, ये सब बच्चे कैसे करेंगे, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। जैसे कि बच्चों को अगर हम एक्टिविटी दे के, बच्चों आज रात आपने आसमान पे सितारों की मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करें, ठीक है, जब वो बच्चे आसमान को देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, अल्लाह ताला नेचर को देखेंगे, अल्लाह ताला की कुदरत को देखेंगे, और फिर जब हम उनको एक स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे जब हम उनको नासा की वीडियो दिखाएंगे जो कि ओरिजिनल होंगी, और वो पिक्चर जब वो देखेंगे, तो वो अल्लाह की कुदरत को अपने माइंड में फिट करेंगे कि अल्लाह ही कादिर है इन सब चीजों पे, जो बना सकता है इन सब चीजों को, और अल्लाह की पहचान जरूर होगी इन सब एक्टिविटीज से। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसमें बच्चों को हम प्रॉब्लम दे सकते हैं, बच्चों हमारे यहाँ अपने इर्द गिर्द जो प्रॉब्लम है, चलिए मैं ट्रैफिक एग्जांपल दे देती हूँ कि ट्रैफिक का एक मसला है हमें, अब हम इस मसले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग टीम बनाओ अपनी और सब डिस्कस करो, आइडियाज दो, और फिर एक टीम का एक मेंबर मुझे वो आइडियाज दे, ठीक है। बच्चों को इम्पोर्टेंस फील हुई कि हम कुछ कर सकते हैं, उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग की कि कैसे ये ट्रैफिक का मसला जो है ना हम हल कर सकते हैं। इसके अलावा कई और मसले मसाइल हैं, हम बहुत से, यानी गुर्बत बहुत ज्यादा है, इसको खत्म कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा कई और मसले मसाइल हैं जिनको, यानी ग्लोबल प्रॉब्लम्स की, मसला फलस्तीन, ये कैसे हल कर सकते हैं, सबसे पहले तो बताएं ना उनको, और जो करिकुलम में हम बताएंगे, फिर उसके बाद बच्चों को प्रोजेक्ट्स दें कि बच्चों बताओ, अपने आइडियाज कलेक्ट करो, इस पे क्रिटिकल थिंकिंग करो कि हम इन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं, और क्वेश्चनिंग बच्चों से राइट क्वेश्चन करवाएं, मीनिंगफुल क्वेश्चन करवाएं। इसके अलावा लॉजिक्स के थ्रू उन्हें जब आंसर करेंगे आप, और बच्चे खुद बड़े अच्छे लॉजिक्स देते हैं, तो हमने बस उनको उस तरह से डेवलप करना है इंशाल्लाह उनके माइंड को। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, तो एनी क्वेश्चन? थैंक यू फॉर वेल डन। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त थी। अगर हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन साथ ले लेते हैं, लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन है इस प्रेजेंटेशन के हवाले से तो दे कैन आस्क। रजत चौधरी, आपका हैंड रेज है फ्रॉम वेरी स्टार्ट। डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? अस्सलाम वालेकुम फरा अमना, थैंक यू सो वेरी मच फरा, वंडरफुल प्रेजेंटेशन इट वाज एंड द टॉपिक वाज द रोड मैप। मेरा जी क्वेश्चन आपसे यह है कि अल्लाह ताला आपको, पहले तो आपके लिए दुआ है कि आपका ये रोड मैप जो है ये ब्लैक एंड व्हाइट पे आ जाए और इसके ऊपर आप काम शुरू करते हैं, दैट्स वन थिंग। बट द क्वेश्चन हियर इज दैट दिस रोड मैप इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में आप इसको अचीव करने जा रही हैं, और क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी आपने बताई बहुत सारी बातें उसमें उसमें नहीं हम जा रहे, क्योंकि आई एम जस्ट लुकिंग एट दी फ्रॉम द टॉप एलिवेशन के, अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो ये करिकुलम के
ऊपर आप काम करना चाह रही, और करिकुलम पे जब आप काम करना चाह रही हैं, तो फिर हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक फॉर यू टू क्रिएट इम्पैक्ट? जी, अगर मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करूं तो मैंने ये प्रैक्टिकली पहले अप्लाई किया, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे। उसके बाद मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई, यानी मैं वीकली बच्चों के साथ एकेडमी में उनकी टीचर से उनको कन्विंस करके किसी तरह कि किसी ना किसी तरह बच्चों को अल्लाह की पहचान करवाई जाए। और हर इंसान को अगर उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पहचान करवाएंगे तो वो वाकई ही करना चाहेगा। अगर हम जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लेके आएंगे लोगों को अल्लाह की तरफ तो वो बोर हो जाएंगे। तो मैंने बच्चों को यही सोचा कि बच्चों को उनके एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही अल्लाह की पहचान करवाई जाए। मैंने कुछ सेशंस किए बच्चों के साथ जिसमें मैंने उनके बहुत बेसिक से टॉपिक्स को सॉरी परा, आई इंटरप्ट कर रहा हूँ. मेरा क्वेश्चन है कि हैव यू डन ए वर्क वर्कआउट, आपने कर लिया है कि कितने साल लगेंगे आपको ये करने के लिए? आई डोंट वांट टू आस्क यू अबाउट द प्रॉब्लम्स यू वाज फेसिंग. माय क्वेश्चन इज हर हाउ मेनी इयर्स, आपका विजन कितने साल का है, ये मेरा क्वेश्चन. आई एम नॉट श्योर, बट इंशाल्लाह 1 1 ईयर। आप आपको श्योर नहीं है ना? जी, अगर श्योर नहीं है तो फिर इसको मेक श्योर कीजिए, बिकॉज अगर श्योर नहीं है और देर आर मल्टीपल क्वेश्चन पीपल आस्किंग कब ये रोल आप रोल आउट करेंगी, और अगर खुदा नखास्ता 1 साल के अंदर फराह को कुछ हो गया, फराह को कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो जो लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे वो तो हेल्पलेस हो जाएंगे. तो दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग यू कि इसकी पूरी स्ट्रैटेजी बताइए ना कि कैसे होगा. फरा नहीं है तो क्या ये बाद में बंद हो जाएगा सिस्टम? फरा अगर कहीं चली जाती है अमेरिका कहीं और, तो हम लोग देखते रहेंगे फरा अभी भी थी, उन्होंने रोल ऑफ किया था, अब तो नहीं है. जी इंशाल्लाह ये मेरी जो एजुकेशन टीम है IMS में से ही, तो उन सब के साथ भी मैंने ये सब चीजें शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह हम पूरी टीम इस पे काम करेंगे। मैं अकेली काम नहीं करूंगी, आप भी मेरे साथ मिल के काम करेंगे, ये किसी एक के बजाय नहीं। जी जी मेरा मेरा क्वेश्चन, नाउ यू आर कमिंग टू द पॉइंट. जी काम जो करेंगे वो जो हाँ लोग काम करेंगे, दे हैव यू टेकन देम ऑन बोर्ड? पहला बात, अगर उन्हें ऑन बोर्ड ले चुके हैं, यू हैव स्टार्टेड, यू हैव रिटन डाउन ब्लैक एंड व्हाइट पे लिख लिया है, या सिर्फ ये एक आइडिया है, ये एक आपका रोड मैप अभी बनाना है, इस पे लगेंगे, मतलब थोड़ा इस पे बताइए. जी ये अभी आइडिया दिया है और अभी इस पे काम हो रहा है। बहुत बेसिक सा काम हुआ है, यानी मैंने एक सर्वे कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, और यानी क्वेश्चनियर एक बच्चों को भेजना स्टार्ट कर दिया है कि बच्चों से मैं अभी, मेरा सैंपल बहुत छोटा था लेकिन मैं अपना सैंपल बड़ा करना चाहती हूँ, कि मैं बड़े लेवल पे अपना सर्वे कंडक्ट करूँ और क्वेश्चनियर बहुत ज्यादा बच्चों का इकट्ठा करूँ। और इस उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसकी प्रपोजल की तरफ आऊं जिसमें मैं करिकुलम दूं, बनाऊं इसमें और हमारी टीम मुझे बनाए। जी सेकंड सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि ये रोल आउट होगा यहाँ पाकिस्तान में, होगा या अफगानिस्तान तक ओवरऑल जाएगा, या कहाँ तक जाएगा, ये ओवरऑल इंशाल्लाह कहाँ वर्ल्ड ओवरऑल? तो वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह। अभी ये प्रपोजल की तरफ जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह ये भी बताएंगे कि कहाँ तक। मेरा तो आइडिया ये वर्ल्ड वाइड ही है कि पूरी दुनिया को अल्लाह की पहचान हो। और लेकिन बात ये है कि फिर हर एक मुल्क का एजुकेशन सिस्टम देखना पड़ेगा, उनका करिकुलम देखना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होगा। बट अभी हाँ पाकिस्तान से ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह जाएंगे ग्लोबली देखेंगे, क्योंकि IMS इज नॉट फॉर पाकिस्तान, IMS ग्लोबली काम कर रहा है। इंशाल्लाह इसको देखेंगे हम ग्लोबली भी। जी, मेरा बस यही है कि आपका विजन या मिशन या रोड मैप जो है ग्लोबली होना चाहिए, ग्रेट होना चाहिए, जी गुड नहीं होना बिल्कुल चाहिए. बिल्कुल और अगर उसके ऊपर जब आप बिल्ड कर रहे हो, तो आप कैसे हमें कनेक्ट करेंगे? हम लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं. जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, मुझे तो हेल्प की बहुत जरूरत है। मैं सिर्फ एक आइडिया जो कि अल्लाह ताला ने मेरे माइंड में डाला है वो मैं दे पाई हूँ। अब IMS पूरी टीम ने काम करना है इस पे। मैंने आप सबको आइडिया दे दिया और कुछ एग्जांपल्स भी दे दी। मैंने सिर्फ आइडिया नहीं दिया, मैंने एग्जांपल्स भी साथ दिए हैं, और इस पे मजीद इसको इलेबोरेट मैं अपने प्रपोजल में भी करूंगी, जिसमें मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगी जिसमें सारी एक्सप्लेनेशन ऐड करूंगी और कुरान पाक से मजीद रेफरेंसेस और उन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशंस को रिलेट करके दिखाऊंगी
के बच्चों को, और टीचर ट्रेनिंग पे भी इसमें काम होने वाला है ना, ये हम सिर्फ करिकुलम नहीं दे सकते कि बच्चों को करिकुलम दे दें और टीचर्स की ट्रेनिंग ना हुई हो उस तरह से वो आयत को इग्नोर करके और बाकी की एक्सप्लेनेशन पढ़ा दें कि हमारा तो मकसद है जी बच्चों को बस टॉप करवाना या डिग्री दिलवाना या बस बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दिलवाना। अल्लाह की पहचान जब मकसद ही नहीं है तो फिर वो पहले ऑलरेडी ये हो रहा है कि बच्चों को तर्जमा तफसीर की जो बुक ऐड करवाई है तो उनसे मैंने इंटरव्यू लिया तो वो कहते हैं आप ही ये तो बस हमें मुफ्त के नंबर है हमारे, हमें टीचर कुछ आयात पढ़ा देती हैं कि आप ये पढ़ जाओ और बस बाकी सब छोड़ दो। मैं लिटरली बस शॉक्ड हो गई थी कि टीचर्स ये बता रहे हैं कि आप ये दो आयात पढ़ जाओ और जाके एग्जाम में दे दो बस नंबर मिल जाएंगे और मुफ्त के नंबर है आप ही, बस ये तो हमारे मुफ्त के नंबर है बाकी इसमें कोई नहीं है खास। तो वो फिर जब हम करिकुलम इतनी मेहनत करके करिकुलम में वो आयात ऐड करेंगे और टीचर्स फिर वही काम करेंगे तो फिर फायदा नहीं है। इंशाल्लाह टीचर ट्रेनिंग में भी इसमें प्रेजेंटेशन मैं दूंगी IMS में ही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिज़्निल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। जी, मेरा ख्याल है मूव ऑन एंड फॉर द नेक्स्ट पर्सन मिस फौजिया कमर, आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। फौजिया कमर मेरा नाम है, प्लीज मैं ऑलरेडी बस मैं ये एक बात कह दूंगी कि प्रिसाइज कर लें ताकि हमारा एक जी नेक्स्ट प्रेजेंटर है, ठीक है, तो उनको जी ठीक हमने जी लेना है। बिल्कुल ठीक मैम। एक्चुअली फारा आई एम रियली अप्रिशिएट जो भी आपने मामलात कहे, ये मैं खुद टीचिंग टीचर हूँ, बीकानेर स्कूल में पिछले 26 साल से पढ़ा रही हूँ और मुझे इस चीज़ की बहुत 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 कमी महसूस होती थी कि हमने कुरान को अपने पसे पुष्ट डाल दिया और कुछ जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ कुरान ही है लेकिन उनको लिंक नहीं करते। मैं अपने तौर पर ये बहुत कोशिश करती रही हूँ, लिटरेचर की टीचर, बट बिलीव मी मैंने कुरान को अपने साथ जोड़ के रखा हुआ ताकि मैं बच्चों तक वो चीज पहुंचाती रहूं। जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ मैं देखती हूँ कुरान के किस लेवल पे किस जगह पे कुरान को टच कर रहा है या कुरान वहां पे उसको बयान कर रहा है, मैं उसको बीच में ऐड कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला सबको ऐसी तौफीक दे कि वो अपने अमल में इसको शामिल रखे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ फरा आपकी, एक तो वी आर ऑल विद यू, यू आर नॉट अलोन, मैं समझती हूँ ये हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन ये जो अभी बात हो रही है ना कि एक टीचिंग लेवल पे हम इसको एज ए करिकुलम में इस्तेमाल करें, ऑफ कोर्स इसे लाजिम करिकुलम में शामिल होना चाहिए, बट मैं ये समझती हूँ कि हर शख्स अपने तौर पर बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फादर, बीइंग अ सिस्टर और फ्रेंड और मदर, हर शख्स अपने तौर पर अपने आने वाली नस्ल को जो भी उसके पास सामने है, वो एक बच्चा है, दो है, 10 है, 15 है, कोई मुलाजिम की सूरत में है, उनके बच्चे हैं, उनके अपने बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, आप उनको कुरान और सुन्नत को अपनी रूटीन में लफ्जों में लेकर आइए। मतलब मेरा ये कि आप अपनी गुफ्तगू में अपनी बातचीत में कुरान को और अल्लाह का जिक्र ऐसे कीजिए जैसे आप किसी की कोई एग्जांपल दे रहे होते हैं। इवन अगर आपने जूता भी पहनाना है अपने बच्चे को तो आप सिर्फ उस आवाज देकर ये कह दे बेटा सुन्नत के मुताबिक पहनो, उन्हें पता चलेगा कि हमारे अमल में सुन्नत और कुरान को साथ चलना है। इवन खाना खाने, इवन कपड़े पहनने में, इवन चलने फिरने गुफ्तगू के दौरान जहां हम ये बताते हैं ये चीज सुन्नत है तो ये भी बताएं कि जो गुनाह करते रहे हो ये सुन्नत नहीं है। खाली सुन्नत एक ही नहीं कि हमने नमाज में 4 सुन्नतें पढ़नी या 2 पढ़नी, बताएं कि सच बोलना सुन्नत है, ईमानदारी सुन्नत है, ताकि आप ईमानदारी करें बजाय इसके कि हम उनको ईमानदारी और सच की क्वालिटीज बताएं, उन्हें ये बताएं कि कुरान और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुतालिक क्या कहते हैं। अगर हम उससे पहले अभी एक हजरत, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, जो कह रहे थे कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो मेरा कहना ये कि आप हर शख्स अभी से शुरू कर दें, इस जो हमारा सेशन हो रहा है इसके फौरन बाद आप अपने साथ ये शुरू कर दें कि मैंने आज के बाद मेरे इर्द गिर्द जो कोई भी है मैंने कुरान और सुन्नत लेके चलनी है, अल्लाह का जिक्र उसके नबी का जिक्र ऐसे करना है जैसे आम रूटीन है, खाने पीने से लेके टेबल से लेकर, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वाकई हमारे लिए एक बेहतरीन वर्किंग करने के लिए एक बेहतरीन नमूना है। हम उनके साथ साथ करें, जब तक जिक्र नहीं होगा हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं आएगी और हमारे ध्यान में भी नहीं आएगा। बस मुझे ये कहना था कि आप लोग जो भी जो जहां जहां है तो ये इसको सिर्फ एक फराह या एक किस ऑर्गेनाइजेशन का काम मत समझे, ये हर शख्स बींग मुस्लिम आप देखे नहीं अनन मुनकर अमर बिल मारूफ और नहीं अनन मुनकर का जो हुक्म है हर मुसलमान के लिए,
हर मुसलमान अपनी जगह पर अपने लेवल पर ये हुक्म उस पर लागू होता है और वो ये काम करे, अपने सामने बुरा अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, और अपनी बच्चों को अपने से ये शुरू करे काम, अपने घर से, अपने आप से, अपने इर्द गिर्द से शुरू करे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइजेशन के तहत जब ये करिकुलम में शामिल होगा, बिलीव मी, किसी के लिए ये स्ट्रेंज नहीं होगा। बच्चों को पता होगा कि तो इधर ही बात कर रही है, तो हम घर में भी ऐसी ही बात हो रही है हमारे, क्या हम थैंक यू आम बंदे नहीं सो है मच क्या? फौजिया, थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन का। और मैं नेक्स्ट जो है वो ये कहूँगी कि सब एंड पे क्वेश्चंस ले लें। हमारी एक नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं, वो भी करेक्टर बिल्डिंग के हवाले से कुछ बात करना चाहती हैं। तो थैंक यू सो मच फौजिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सबको मिशेल आसानी अता करे। जी, मिशेल आर यू देयर? प्लीज यस मैम। शेयर योर स्क्रीन एंड स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। We will get much from you, I think. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज मशल इलियास, TL50, कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी, C106, एंड कम्युनिटी हेड मैम जवेरिया, C07, CH07, एंड माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन वाज अबाउट कैरेक्टर बिल्डिंग, जो कि वेरी मच कनेक्टेड है फरा की प्रेजेंटेशन से, बिकॉज जो हमारा रोड मैप है वो बहुत सिमिलर है। रोड मैप वी गेव थ्रू करिकुलम, और करिकुलम में जैसे फरा ने एक्सप्लेन किया कि इंशाल्लाह इसको करिकुलम और एजुकेशन के थ्रू हमने किस तरह से बिल्डअप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरेक्टर बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे करिकुलम जब हम वो वाला प्रेजेंट कर रहे थे, वी गॉट टू नो कि हमें नॉलेज मिलेगा, अल्लाह ताला से पहचान मिलेगी, दुनिया का फ्लरिशमेंट मिलेगी, हर चीज़ होगा, लेकिन साथ ही साथ कैरेक्टर बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैरेक्टर अगर आपका डेवलप नहीं है तो आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी को भी, एट एनी कॉस्ट किसी को इन्फ्लुएंस हम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इस्लाम दिया हमें, इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर हम, और अगर इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हमने बनना है तो वी हैव टू हैव सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स इन आर कैरेक्टर, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। हमें ये बात सीरा से बहुत अच्छे से मालूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से, यानी उनकी लाइफ से, उनको देख के, उनको सुन के आधे लोग मुसलमान हो जाते थे, और ये बात उनके बारे में मशहूर थी कि कानों में लोग रुई डाल लेते थे कि उनको सुनना ही नहीं है, जस्ट बिकॉज अगर वो बोलेंगे तो लोग ईमान ले आएंगे। ऐसा क्या था? वो उनका कैरेक्टर था कि वो क्या, उनकी क्या खसूसियात थी कि वो उन्हें लोग देख के उन पे ईमान ले आते थे। तो हम तो वैसे नहीं है, और ये बहुत क्लियर है बात कि हम अपने कैरेक्टर की पस्ती के इंतहा पे पहुंचे हुए हैं। तो अब हमने इंशाल्लाह कैरेक्टर डेवलपमेंट की तरफ भी जाना है विद द करिकुलम, जो हमें एजुकेशन भी देगी और किस तरह से हमें अपना कैरेक्टर डेवलप करना है। अब कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि इंट्रिंसिक वो चीज़ है जो आपका अंदर का, आपका इनर सेल्फ है, जो आपके अंदर की, आप समझ लें कि आप अंदर से आप क्या हैं, और मैं अंदर से जितना स्ट्रांग होंगी। एक्सट्रिंसिक वो चीज़ है जो सोसाइटल प्रेशर जिन्हें हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी आजकल की दुनिया में पैसा होना बहुत ज़रूरी है, आपकी खूबसूरती बहुत मैटर करती है, और ये जितने भी प्रेशर हैं जो हम पे, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी हम पे वो प्रेशर बिल्डअप करते हैं, वो ठीक है या गलत, इस पे बहस नहीं है, प्रोबेबली वो गलत ही होते हैं, ठीक है। अभी भी ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ज़्यादा शोहरत होनी चाहिए, ये चीज़ें हमारी एक्सट्रिंसिक में आती हैं। इंट्रिंसिक मेरा इनर सेल्फ है, अंदर से मेरा अपना आप क्या है। जितना ज़्यादा मैं अपना इंट्रिंसिक यानी अपना इनर सेल्फ साफ रखूंगी, और मैं फितरत, अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलीमे फितरत पैदा किया, फितरत पे पैदा किया, हमारी एक फितरत है, हम कनेक्टेड हैं, रूह हमारी अल्लाह ताला से कनेक्टेड है, जितनी हमारी वो पाक होगी और हम फितरत से कनेक्टेड रहेंगे, उतना ही हम एक्सट्रिंसिक जो प्रेशर्स हैं, जो सोसाइटी के प्रेशर्स हैं, उन पे हम कम अफेक्ट होंगे उनसे। आपने देखे होंगे दुनिया में बहुत सारे लोग जो नहीं अफेक्ट होते, अगर कोई जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी, पैसा, शोहरत, ये चीज़ों से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होते, और आपने वो भी लोग देखे होंगे जो इन चीज़ों के पीछे मरने को भी तैयार है कि हमें पैसा मिल जाए बस। तो ये वो चीज़ होती है जो सलीम है, जिनकी फितरत जिंदा है, सलामत है, तो जिनका इनर सेल्फ, जिनका कैरेक्टर डेवलप है, जिनके अंदर वो चीज़ें सलामत हैं जो अल्लाह ताला ने दी थी, उनके अंदर बाय बर्थ वो चीज़ें थी,
अगर वो ठीक हैं तो बाहर वाले प्रेशर आपको नहीं अफेक्ट करते, जितने मर्जी प्रेशर्स आ जाएं। लेकिन अगर आपका डेवलप नहीं है कैरेक्टर, तो आप डगमगाते हो, आप दुनिया के साथ डिप्रेस होते हो। दुनिया जो कामयाबी की डेफिनेशन देती है, वो आप उसको ही कामयाबी समझते हो। तो ये चीजें हैं जो इंट्रिंसिक में, इस स्लाइड का मतलब ये था कि जितना आपका डेवलप होगा कैरेक्टर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सट्रिंसिक प्रेशर से, यानी कि उतना आप कम अफेक्ट होगे उन चीजों से जो आपको सोसाइटी आपको डालती है। ओके, सो अभी मैं कुछ यहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग की इंट्रिंसिक जो हमारी अब चीजें हैं, जो हमारे कैरेक्टर की डेवलपमेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए, बहुत सारी हैं, बहुत बहुत सारी हैं। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें दो कैटेगरीज बन जाती हैं, सोशल इमोशनल और बिहेवियरल। सोशल इमोशनल वो चीजें हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं और हमारी इमोशंस से रिलेटेड होती हैं, जिनको हमने उसको कवर करना होता है। और हम वही वो वाली बात कि हमें इमोशंस के ताबे नहीं होना, हमारे इमोशंस को हमारे ताबे होना चाहिए। और बिहेवियरल कुछ चीजें होती हैं जो हमारे बिहेवियर से रिलेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इनको हल्का सा एक्सप्लेन करूंगी कि एम्पथी, एम्पथी क्या चीज होती है। एक होती है चीज सिंपथी, एक होती है एम्पथी। एम्पथी इज नॉट हमदर्दी, हमदर्दी नहीं है। एम्पथी वो चीज है कि आप अपने आप को अगले बंदे की जगह रखो और उसके बाद वो फीलिंग अपने ऊपर तारी करो कि यस, मेरे साथ ये हो रहा है, अब मैं कैसा फील करूंगी। उसके बाद जो आप फिर जरा जिस तरीके से डील करोगे, वो होगा एम्पथी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ प्राइम एग्जाम्पल है हमारे पास कि किस तरह वो ये सब कुछ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्फन्स के साथ, यतीमों के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से भी बदतमीजी नहीं की। यतीमों के साथ तो स्पेसिफिकली हमें पता है किस तरह का रवैया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कभी भी वो बच्चों के साथ इस तरह से बात नहीं करते थे जिस तरह से हम आजकल कोशिश करते हैं करने की, कि अच्छा ये तो बच्चा है, इसको इग्नोर करो, या बच्चा बोल रहा है, बातें कर रहा है आपसे, हम उसे इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं था, उनके पास जाके बैठते थे, झुक के बात नहीं करते थे, झुकने के साथ साथ नीचे बैठते थे बच्चों के साथ, और उसके बाद उनसे बातें करते थे। एक बच्चा चुप होके बैठा है, उसके पास खुद गए हैं, वो चीज ऑब्जर्व की है नबी पाक ने कि वो बच्चा चुप होके बैठा है, उसके पास गए हैं, उसके पास नीचे बैठ के उससे बातें की हैं। और ये सारी चीजें हमें नबी पाक की लाइफ से मिलती हैं। हमारे अंदर ये चीज नहीं है, हमें ये चीज डेवलप करने की जरूरत है। उसके बाद एक चीज है रेजिलियंस। रेजिलियंस होता है, आप इसको मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि ऐसी चीज है कि आप पे कोई मुश्किल आई है तो अब आप एकदम से इतना पैनिक ना करो कि आप भाग जाओ, या आप गलत डिसीजन ले जाओ, या आप इतना पैनिक कर जाओ कि आपसे सिचुएशन हैंडल ना हो। रेजिलियंस में ये होता है कि आप दोबारा से अपने हवास में कायम रहते हो और उसके बाद आप स्टेप आगे लेते हो और आप स्ट्रेटेजी बनाते हो कि मुझे क्या करना है। इसकी प्राइम एग्जाम्पल गज़वे अहद की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गज़वे अहद में वो टाइम आया जब पूरी फौज, आप इमेजिन करें, आप लीड कर रहे हैं एक जमात को, पूरी जमात पीछे से फौज भाग गई है, बिल्कुल अलहदा हो गई है, सेपरेट हो गई है, लेकिन आप उस टाइम पे अपने हवास में कायम रहते हो, उसी जगह पे खड़े रहते हो। ऐसा नहीं था कि नबी पाक को खौफ नहीं था, वो गमजदा नहीं होते थे, या वो डरते नहीं थे। वो डरते थे लेकिन वो भागते नहीं थे सिचुएशन से, वो कंट्रोल में करते थे। कुछ लोग उनके साथ वहां पे डटे रहे और नबी पाक अपनी जगह से नहीं हिले, जिसका फायदा क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज जो है वो दोबारा असेंबल हुई, और किस तरह से उन्होंने दोबारा से स्टेप बैक किया और उसके बाद वो गजवा हुआ। तो नबी पाक कभी भी किसी सिचुएशन से भागे नहीं। आज हमें ये चीज बहुत ज्यादा है कि हम भाग जाते हैं, हमसे नहीं होगा, और हम ये वाली बातें सुनते हैं कि नहीं होगा, बस बस हो गई है, भाग जाते हैं, हम डर जाते हैं। डरना इज ओके, स्टेप बैक नहीं करना, लड़ना है, उस सिचुएशन का मुकाबला करना है। उसके बाद ग्रेटिट्यूड है, शुक्र, शुक्र गुजारी, डे ऑफ ताइफ। ताइफ के मौके पे भी नबी अलैहि सलाम ने दुआ की है कि ओके या अल्लाह, ये आपने मुझे किन लोगों के हवाले कर दिया है, लेकिन अगर आप राजी हैं तो ठीक है, इट्स ओके, फिर मैं भी ठीक हूँ, बस आप राजी रहे। अल्लाह की रजा वो द प्रायोरिटी, अल्लाह की रजा ही इम्पोर्टेंट थी नबी अलैहि सलाम के लिए। उस दिन जो दुनिया, जो नबी पाक ने खुद कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था, उस दिन भी ना शुक्री नहीं की। और हम क्या करते हैं, करेज पूरी जिंदगी नबी अलैहि सलाम की, हमें कोई एग्जाम्पल कोट कर ही नहीं सकी कि मैं करेज में कौन सी एग्जाम्पल कोट दूं। हर दिन हर लम्हा नबी पाक का बहादुरी से भरा हुआ था। करीजियस में ये था कि आगे बढ़ के लड़ते थे नबी अलैहि सलाम, खुद पे तीर खाए हैं उन्होंने, कभी मैदान जंग से वो भागे नहीं है।
ये नहीं थे कि परेशान नहीं होते थे, गमजदा नहीं होते थे, होते थे लेकिन भागते नहीं थे, इमोशंस के ताबे नहीं हो जाते थे। उसके बाद पेशेंस, शेब अबी तालिब, 3 साल इस पूरे बायकॉट वाले एनवायरनमेंट में रहना, जहां आपको पता हो आपकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, मतलब आपकी वजह से, इन अ सेंस कि वो आप दावत इस्लाम प्रीच करने लगे हो और उसके बाद उसकी वजह से ही सारा जो मामला हो रहा है, और वहां पे भी कोई उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ शो नहीं किया कि अच्छा मैं नबी हूं तो मैं नरम बिस्तर पे सो जाऊं, नहीं, जैसे लोग रह रहे थे वैसे ही पत्थरों पे सोए नबी अलैहिस्सलाम। अपने लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया कभी भी, जब सहाबा के साथ बैठे होते थे तो कभी ये नहीं पता नहीं चलता था कि कौन अल्लाह का रसूल है और कौन नहीं। नबी अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में थे उनसे ज्यादा ब्लेसेड कोई और इंसान इस दुनिया में ना था ना है ना होगा। उस टाइम पे वो शख्स जब कोई बाहर से आके देखता था उसे समझ नहीं आती थी वो वाले शख्स जो अल्लाह के नबी हैं, जो आखिरी रहमतुल आलमीन है, वो कौन है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी प्रोटोकॉल नहीं लिया। लोग पत्थरों पे सोए हैं तो आप भी पत्थरों पे सोए हैं, कभी उन्होंने कुछ नहीं लिया। उसके बाद ऑनेस्टी आती है, टेस्टिमनी ऑफ कुरैश इटसेल्फ, कुरैश ने गवाही दी है कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। हिजरत का टाइम था फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई हजारों पता नहीं कितनी तादाद में वो पड़ी थी चीजें जो उन्होंने वापस करनी थी, लोगों की अमानतें। उस टाइम जब मक्का दुश्मन हुआ हुआ था तब भी अमानतें नबी अलैहिस्सलाम के पास थी। जस्टिस सिस्टम स्टोरी जो चोरी वाली है, जिसपे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी बेटी फातिमा, मेरी लखते जिगर फातिमा, वो भी चोरी करेंगी तो हाथ कटेगा। अपनों पे आपने नरमी नहीं करनी होती, जो रूल आपने दूसरों पे अप्लाई करना है वही अपने पे अप्लाई करना है। देयर इज नो वे कि आप सेकंड हो जाओ, आप साइड पे हो जाओ, नहीं, अपनों पे आप नरमी नहीं, ऐसा नहीं है। जो सबके लिए वही अपने लिए भी रूल है। क्रिटिकल थिंकिंग में नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरह से किस एम्परर और किस बादशाह से डील किया है वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास आता है। हबशी जो था उससे डिफरेंट तरीके से डील किया, रोमन और पर्शियन जो उस टाइम की सुपर पावर्स थी उनसे डिफरेंट तरीके से डील करते थे, और यहूदियों से कब किस कबीले से कैसे डील करना है, मक्का वालों से कैसे डील करना है, किस पॉइंट पे किस जंग में कैसे डील करना है, हर चीज उनको डिफरेंट डिफरेंट थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बैटल फील्ड में कब कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, ये सब चीजें नबी अलैहिस्सलाम की सीरा से हमें भरपूर मिलती हैं। ये वो चीजें हैं जब आपके बच्चों में डेवलप हो जाती हैं तो फिर करते हैं वो दुनिया फतह। तो अब अगर हम देखते हैं कि ये जो चीजें हैं कि ये सोल्यूशन जो है इस्लाम से, अब सब कहेंगे कि ओके ये सोल्यूशन है, ये हमारे पास एग्जांपल है, बट व्हाई इस्लाम ही क्यों सोल्यूशन हमें दे रहा है, बाकी जो दुनिया में इतने सारे इज्म्स फैले हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो क्यों नहीं दे रहे? इसके लिए 3 मेन रीजन यहाँ पे कोट किए हैं मैंने। एक, हमें एग्जाम्पल मिलती है राइज ऑफ इस्लामिक स्कॉलरशिप, जो इस्लामिक स्कॉलरशिप थी वो एक मेन रीजन है जहाँ से हम देखेंगे कि वो इफेक्ट क्या था। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक साइंसेस, जिस तरह से उस एरिया में इस्लामिक साइंसेस डेवलप हुई थी, गोल्डन एरा की बात हो रही है, इस्लामिक गोल्डन एरा की। उसके बाद एमर्जेंस ऑफ इस्लामिक लीडर्स, जिस तरह से हमारे पास जो इस्लामिक लीडर्स उभरे हैं वो क्या, ये 3 वो पैरामीटर्स हैं, 3 मैट्रिक्स हैं जहाँ पे हम अगर देखते हैं कि क्यों इस्लाम ही सोल्यूशन दे रहा है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आती है इब्ने सीना की और इमाम गजाली की, जो के इस्लामिक स्कॉलर्स थे। तो इमाम गजाली की अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस्लामिक ज्यूरिस्ट, थियोलॉजियन थे, थिंकर थे, मिस्टिकल। अब हालांकि कहने को स्कॉलर थे लेकिन वो ऐसे स्कॉलर नहीं थे कि जो बिल्कुल, आज फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो कि इस्लामिक रिलीजियस साइंसेस जो थी ना ट्रेडिशनल, उन्होंने वो डिफरेंट तरीके से सीखी थी साइंसेस। उन्होंने सूफी प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व की हैं, सूफी प्रैक्टिसेस को उन्होंने एक इस्लामिक पहचान करवाई है सूफीज्म की। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल हेड थे वो कम्युनिटी के, इस्लामिक कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल हेड थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ स्कॉलर थे या कुछ और, इंटेलेक्चुअल हेड भी थे स्कॉलर होने के साथ, यानी वो स्कॉलर ऐसे नहीं थे कि उनको दुनिया का कुछ नहीं पता था। इसके अलावा वो कॉलेजेस में जाते थे, इस्लामिक लॉ में उन्होंने इतना लेक्चर्स दिया करते थे और वो क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड किया करते थे। उनका जो फिलोसफी की तरफ एटीट्यूड था वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था कि वो उसी सब्जेक्ट को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और लर्न भी कर रहे हैं, और उसी के थ्रू उसी में वो रिवाइव करते जा रहे हैं फेथ ऑफ इस्लाम को। और ये सारा कुछ उसमें हो रहा है।
अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास आते हैं इब्ने सीना की. अब इब्ने सीना ही वाज अ स्कॉलर बट एज वेल एज अ ग्रेट फिजिशियन इन इस्लाम. ग्रेटेस्ट थिंकर थे वो, मेडिकल स्कॉलर भी थे हिस्ट्री में. और एक दफा का वाकया है कि सुल्तान ऑफ बुखारा जो है उन्होंने उनकी कोई सुल्तान ऑफ बुखारा की इब्ने सीना ने कोई एक इन्फेक्शियस डिजीज थी उनको सक्सेसफुली क्योर किया. तो उन्होंने जब मांगा कि अच्छा अब आपको क्या रिवॉर्ड चाहिए, तो इब्ने सीना ने कहा कि मुझे आपकी लाइब्रेरी में जो है वो परमिशन चाहिए कि मैं अपनी वहां पे आराम से स्टडी कर सकूं, रिसर्च कर सकूं. ये उनका पैशन था, ये उनका एम था. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे वो कोर्ट फिजिशियन भी थे, वो सोल्जर भी थे. एट द सेम टाइम उन्होंने 100 बुक्स भी लिखी हैं, जिसमें से एक हम सबको पता है कानून फितब है. अब एक और एग्जांपल आती है इस्लामिक साइंसेस की, कि राइज डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक साइंसेस कैसे हुई है उस दौर में जब इस्लाम पीक पे था. अलख्वारज्मी और जाबिर बिन हयान, ये दो प्राइम एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर सिर्फ डाली हैं, अभी अगेन बहुत सारी हैं. अबू जाफिर मोहम्मद इब्ने मूसा अलख्वारज्मी, ये उनका पूरा नाम था. ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, फादर ऑफ अलजेबरा. और उसके बाद जो जीरो, जो सिंबल जीरो है, अरेबिक न्यूमरल्स हैं, इनको पॉपुलराइज किया था इन्होंने. एस्ट्रोनोमर भी थे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इस चीज के ऊपर, अलजेब्रा के ऊपर. और अलजेब्रा को उन्होंने रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया है. इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी पे और सोलर इक्लिप्सिस और ये सारी चीजें हैं, टेबल्स ऑफ साइंस हैं, कैलेंडर्स हैं, कैलकुलेशन हैं, ये सारी चीजें, इन चीजों पे वर्क किया था अलख्वारज्मी ने. और उन्होंने ज्योग्राफी पे बहुत काम किया है. अब अगर हम इस पे आते हैं मूसा जाबिर इब्ने हयान पे, तो ही वॉज द फादर ऑफ अरब केमिस्ट्री, फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्मेसी. इनकी बहुत बड़ी बड़ी चीजें, फाउंडर बेस रखना हर चीज से ज्यादा मुश्किल होता है, बट ही डिड इट. और केमिस्ट्री उन्होंने लर्न की है, फार्मेसी लर्न की है, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, एक ही साथ ये इंसान 5 चीजों में बरतरी लेके जा रहे थे. 300 बुक्स लिखी हैं फिलोसफी पे, 1300 बुक्स लिखी हैं मैकेनिकल डिवाइसेस पे, हंड्रेड ऑफ बुक्स लिखी हैं अल्केमी पे. और बहुत सारी जो हम अपनी बुक्स में, आज जैसे हमने पढ़ा, हम अपनी मैट्रिक की बुक्स में ये बहुत सारे प्रोसेस पढ़ के आते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन, कैल्सिनेशन, सब्लिमेशन, एवेपोरेशन, सिंथेसिस ऑफ एसिड्स, डिस्टिलेशन एटसेट्रा, बहुत सारे और भी हैं. ये सारी चीजें ये इन्होंने इन्वेंट की थी, ये चीजें इन्होंने स्टार्ट की थी. बट वी डिड नो कि अच्छा, ये हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, बट आई नेवर गॉट टू नो कि ये जाबिर इब्ने हयान ने सब चीजें इन्वेंट की हैं, हमने सिर्फ गुरुओं के नाम से पढ़ा है. अब इसके अलावा अगर हम, हमारे पास एग्जाम्पल आती है इस्लामिक लीडर्स की, इब्ने अबी आमिर अल मंसूर एक है, दूसरा है अमीर तैमूर. अब जब अमीर तैमूर की बात की जाए, तो वो फिकह के स्कॉलर थे, वो आलिम थे, तालीम हासिल की हुई थी उन्होंने, मदरसे के ग्रेजुएट थे, लेकिन पैटर्न ऑफ थिंकिंग ऐसी थी कि उलमा उनसे क्रिटिकल थिंकिंग का, वो ऐसा एंगल देते थे क्रिटिकल थिंकिंग का कि बड़े बड़े उलमा को इम्प्रेस कर लेते थे. और वो क्या काम करते थे अमीर तैमूर, उनकी एक बड़ी प्यारी सुन्नत थी कि वो जब किसी एरिया को फतह करते थे, तो वहां के स्कॉलर्स को बुला के उस एरिया के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनसे डिस्कस करते थे, और फिर ऐसे सोल्यूशंस देते थे कि उस टाइम के उलमा को साबित हो जाता था उनके ऊपर कि जो ये वाले हम पे अब हाकिम आए हैं, ये हमसे बड़े स्कॉलर हैं. दोनों हाथों से तलवार भी चलाते थे, ही वो तो सोल्जर. इसके अलावा अब इब्ने अबी आमिर अल मंसूर हैं, वो लॉयर थे, लेकिन वो जंगजू भी थे, शरिया लॉ के माहिर थे. उनकी कमांड इतनी थी कि उनकी लिखी हुई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होती थी. अब ये सब चीजें हैं, लेकिन अब इनका कैरेक्टर से क्या डेवलप, इनका रिलेशनशिप क्या, अब ये सारी हमने चीजें पढ़ी हैं कि इफेक्ट आ रहा था उस टाइम पे. क्यों? क्योंकि वो लोग फोकस्ड थे, उन सब में लीडरशिप क्वालिटीज इनेट की हुई थी, उनमें अंदर लीडरशिप क्वालिटीज थी, हर इंसान के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर थी उनमें, मुश्किल हालात में खुद को पेश करते थे, वो पीछे नहीं हटते थे. हर इंसान पैदाइशी सोल्जर होता था, उनका जस्टिस कमाल का होता था, जस्टिस अपने ऊपर भी लागू करते थे इक्वल, वही जस्टिस स्टेट पे लागू हो रहा है और वही जस्टिस अपने घर पे भी लागू हो रहा है, हर जगह. और इस्लामिक सिस्टम की कोशिशें करते थे, इट वॉज द मेन मेन पॉइंट फॉर देम. इस्लामिक सिस्टम की कोशिशें करते थे और उलमा से काम लेते थे, इस्लाम एज अ सिस्टम उनको पता था उन्होंने करना है, और उसके ऊपर वो कोशिशें करते थे. अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि हमने कॉज देख लिया, इफेक्ट देख लिया, वजह क्या थी कि ये जो 3 मेट्रिसेस हमने पढ़े हैं, कि लीडरशिप प्राइम हमें एग्जांपल मिली है, लीडरशिप पीक पे थी, स्कॉलरशिप पीक पे थी, और इस्लामिक साइंसेस की डेवलपमेंट पीक पे थी. वाई, क्यों,
क्यों था ये इस्लामिक गोल्डन इरा में ये सब क्यों था? क्यों? क्योंकि एजुकेशन वाज नॉट ओनली द करिकुलम, इट वाज अ सिस्टम, स्टेट इन्वॉल्व थी, इस्लाम एज अ सिस्टम प्रिवेल हो रहा था। सिर्फ करिकुलम से नहीं होता, एजुकेशन सिस्टम बनी हुई थी उस टाइम पे। कल्चर आपका इन्वॉल्व होता है, हर जगह से आपको वही तालीम मिली हो, घर से, स्टेट से, कंट्री से, स्कूल से, हर जगह एक ही चीज हो, ईमानदारी। अगर पढ़ाई जा रही है बच्चे को तो ईमानदारी उसको सोसाइटी में नजर भी आ रही हो, और ये तब होगी चीजें जब इस्लाम एज अ सिस्टम फ्लरिश कर जाएगा वहां पे। तो सिस्टम के थ्रू ये सारा कुछ हो रहा था, जब इस पे फोकस था, और उसके साथ जो सारे एक्सपेंसेस भी हैं, और स्टेट जब इन्वॉल्व हो जाती है एक चीज में तो फिर वो चीज फ्लरिश भी करती है हमारी। और यहाँ से बिल्कुल हमारा सिमिलर हो जाता है फरा वाले उसके साथ, कि गोल्डन स्टेप्स टू सोल्यूशन वॉज वाया करिकुलम, जिसमें 7 साल, इस्लामिक गोल्डन एरा में एक रूल था कि 7 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिट किया जाता था, और 10वें साल तक, 4 साल में, ये मैंने यहाँ पे पुट किया यहाँ पे कि वो क्या क्या पढ़ते थे, कैसे कैसे पढ़ाते थे उनको, कि बच्चा 4 साल में प्रिपेयर हो जाता था कि उसको कुरान, हदीस, इस्लामिक लॉ, मैथमेटिक्स, अरबिक ग्रामर, लॉजिक, फिलोसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीजें उसको समझ में आ जाती थी, उसकी बेस सेट हो जाती थी इन सब चीजों के ऊपर, विद ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैंने यहाँ पे पुट किया था कि फर्स्ट ईयर में उसको क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रामर, कुरान, अहादीस, और फिर कैसे सेकेंड ईयर में उसको फिलोसफी और क्रिटिसिज्म पे डाल दिया, उसके बाद थर्ड पे उनको हदीस स्टडीज और हिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी पे फिर शिफ्ट कर दिया, और फोर्थ में किस तरह से उनको लॉ, मेडिसिन और आगे स्पेसिफिकेशन में डाल दिया। और ये वो कुछ स्ट्रेटेजीज थी जो हमने देखी थी कि किस तरह से उस एजुकेशन, जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम हमने इस्लामिक गोल्डन एरा का देखा, उसको करंट सिस्टम में किस तरह से हमने इनपुट करना है। और ये वो सारी चीजें हैं जो फरा ने भी डिस्कस की थी, और यहाँ पे आके हमारा सिमिलर होता है कि ये वो चीजें जब हम इंशाल्लाह ऐड अप करेंगे और ये सारा कुछ होगा, तो ना सिर्फ करिकुलम आएगा आएगा बल्कि बच्चे का कैरेक्टर डेवलप होगा, जो के जरूरी है इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मुसलमान सिर्फ जबान से मुसलमान नहीं, तो अपने अमल का मुसलमान होता है, और अमल के लिए कैरेक्टर ही जरूरत है हमारी। जजाकल्लाहु खैर, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। Well, Michelle, very good presentations from your side. Is there anyone to ask question? Yes, Junaid, I'm asking you to unmute. सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा पहला सवाल सवाल या मतलब स्टेटमेंट फरा के लिए है कि आपने अपना गोल रखा हुआ था अपनी प्रेजेंटेशन में अल्लाह की पहचान। इसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी ट्वीकिंग अगर हम कर लेना कि अल्लाह की पहचान करने के बजाय सबको अल्लाह की पहचान करवाना, तो इसमें हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगी अपने स्टेप्स के अंदर और करिकुलम में भी कि हमने किस तरह करिकुलम देना है, कि सिर्फ करना मकसद ना हो, पूरी दुनिया के इंसानों को करवाना मकसद होना, अल्लाह का निज़ाम कायम करना, तो हम शायद अपना करिकुलम उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। दूसरा सवाल मेरा, सेकंड प्रेजेंटर में नाम मेरे जहन से निकल गया, आपने अभी मेंशन किया है कि 4 इयर्स में वो करते थे ये सब चीज़ें सिखाते थे, आपको इसका कोई एग्जाम्पल या कोई एविडेंस इसका मिला हो तो काइंडली उसको भी शेयर कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अभी मेरे पास कोई ऑन रिकॉर्ड इस चीज़ की वो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर, आपने एक अच्छी चीज़ वो सजेस्ट किया, मैं इसको ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगी, को फाइनलाइज करके इसको मैं सर्चिंग उसमें करूंगी। बट उसमें सिस्टम यही था कि 7 से 10 ईयर्स का पूरा करिकुलम ये था, ये कन्फर्म है इस्लामिक गोल्डन एरा में दिस वॉज द करिकुलम, के 7 से 10 ईयर्स का ये पूरा करिकुलम था इस तरह से। आपको ये इन्फॉर्मेशन, मैं सोर्स जानना चाह रहा हूँ ताकि मैं भी उसको थोड़ा सा रीड अप कर सकूँ। ये गूगल स्कॉलर से ही मैंने किया था, कोई बुक रीडिंग नहीं की। सही सही, थैंक यू। जज़ाकअल्लाह। जी, डॉक्टर फरुख अफजल। डॉक्टर फारूक जी अफजल, आप जी पूछिए। जी मेरा भी यही क्वेश्चन है जो अभी भाई ने पूछा, कि चलें आपने ये तो बता दिया कि एविडेंस नहीं है आपके पास कोई कि 4 ईयर में कहीं से पढ़ा था कि ये हो सकता है, तो क्या आप समझती हैं कि 4 ईयर में
अब ये पॉसिबल है कि 7 to 10, तो मेरा ख्याल है 4, हाँ 4 इयर्स ही बनते हैं, तो इसमें ये चीजें पॉसिबल हैं। जी मैम, ये पॉसिबल है, और अगर आपके उसमें हो, इल्म में हो, तो जो सोर्स कोड है ससाइल का, इसमें भी मेनली वो 4 इयर्स में ये वाली चीजें कवर कर रहे हैं। अगर आपने एडवांस उनका सारा लिया हो, तो उसमें वो 4 इयर्स को टारगेट करके ये सारा कुछ दे रहे हैं। यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि अगेन ये सोर्स कोड जो एकेडमी है वो इस चीज को ही फॉलो कर रही है, एंड दैट वाज द बेस जो मेरे क्लिक हुआ था कि वो लोग भी कर रहे हैं इस्लामिक गोल्डन एरा, एंड जस्ट मेड अ परफेक्ट मैच फॉर मी कि यस, 4 इयर्स में इस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है। बट यस, डिटेल्ड स्टडी इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू गिव यू द ब्रीफ एंड द डिटेल्ड आंसर ऑब्वियसली। ओके, सॉरी, मेरा अनम्यूट हो गया था और अभी दोबारा रिक्वेस्ट पीछे से शायद कुछ हो गई थी। सही है, ठीक है, लेकिन इसमें फिर वर्किंग आवर्स कितने होंगे, बच्चा कितने वर्किंग आवर्स स्टडी कर रहा है? और मेरा ख्याल है इसमें फिर साइंसेज नहीं है, साइंसेज के साम अगर हम ये टारगेट लगे कि बच्चे को जा रहा है ग्रेजुअली ओ लेवल और ए लेवल इस तक लेकर जाना है, और पता नहीं इसमें ये सब कुछ हो रहा है। आर यू श्योर? सारे सब्जेक्ट साइंसेज इंक्लूडिंग कुरान हदीस सीरा? यस मैम, जी, बिल्कुल। तो वर्किंग अगर आवर फिर कितने बन रहे हैं, कैसे सब्जेक्ट्स को कवर अप हो? अच्छा, ये मैंने जैसे आपको बताया, ये सोर्स कोड वाला जो है वहाँ पे, यहाँ से मेरा वो वाला सीन मैच होता है जहाँ पे सोर्स कोड वालों ने पूरा एग्जांपल बताया था, और सर साहिल के अकॉर्डिंग वर्किंग आवर्स बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, बहुत आहिस्ता उसमें लेके चल रहे हैं। लेकिन जैसे आप ओ लेवल्स वाली बात कर रही हैं, ओ लेवल्स वाली स्टडीज नहीं होती, वो बहुत डिफरेंट स्टडीज होती है जिसमें हम बेस सेट करते हैं बच्चे की, मैथमेटिक्स की, उसके बाद ग्रेजुअली डेली बेसिस पे बहुत थोड़े थोड़ा टाइम बच्चे को हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स ग्रेजुअली उस चीज को हम करवाते जाते हैं इंट्रोड्यूस, और वो वाली बुक्स नहीं होती। मतलब बुक्स वो हों भी तो तरीका बहुत डिफरेंट होता है, मेथोडोलॉजी बहुत डिफरेंट है, तो वही चीजें उस हिसाब से 10वें साल में बच्चे को बेस उनकी परफेक्टली सेट होती है। उसके बाद आगे स्पेशलाइजेशन में फिर डिफरेंशिएशन आ जाती हैं कि किस तरह आगे उसमें जिस चीज में भी उसमें स्पेशलाइजेशन में आगे कंटिन्यू करना है वो उस चीज में कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या वो ओ लेवल ए लेवल, वो चीजें इसमें डन हो जाती है। जी, इसमें देखें कि सोर्स कोड में तो अभी मैथ भी स्टार्ट नहीं हुआ और सिर्फ अरेबिक लैंग्वेज ही वो करवा रहे हैं, तो जब हम इतने सारे सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो कॉपिंग बच्चे की तो उसी वक्त पता चलेगी कि वो सारी चीजों को इकट्ठा लेके कैसे। अगर एक सब्जेक्ट को 1 आवर भी दे रहे हैं डेली, तो इसमें चलें इंशाल्लाह ताला इस पे देखिएगा और मैं भी देखूंगी। मेरा ख्याल है कि अगर जैसे आपने कहा ना ओ लेवल ए लेवल नहीं, ये तो एक वो है ना कि हम उसको एक स्टैंडर्ड मीट करें, लेकिन अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड साइंसेज की एजुकेशन को देखें तो उसमें यही सारी चीजें, सब्जेक्ट तो सेम होता है, मटेरियल भी सेम होता है, सिर्फ हम वे ऑफ टीचिंग को चेंज कर सकते हैं, और दूसरा हम इसमें जो रिलेशन टू कुरान और हदीस, हमारी जो हक का इल्म है हमारे पास, उसको हम अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जी, बिल्कुल मैम, ऐसे जी ही है, वे ऑफ टीचिंग चेंज होना है, और मैथ स्टार्ट हो चुका है उसमें। मैंने जैसे आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के स्टडी आवर्स थोड़े से बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो भी स्कूल जितने शुरू में नहीं होते, स्कूल में बच्चा शुरू में ही जाता है तो काफी देर रहता है, वैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, लेकिन ये हो चुका है और ये प्रोसेस है। लेकिन अगेन, मैंने जैसे आपको बताया, डिटेल स्टडी अभी इस पे होनी है, जब इंशाल्लाह वो वर्क करेंगे तो इस पे मजीद हम वो कर सकते हैं कि अब करने की स्ट्रेटेजीज क्या है। ओके, थैंक यू मिशेल। उम्मे मोहम्मद, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। ओके मोहम्मद अब्दुल्ला, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन? अब अपना सवाल पूछ सकते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ऑडिबल? जी, आपकी आवाज आ रही है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लगी। बस मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपका क्या ओपिनियन रहेगा कि अगर एक आप 7 से लेके 10 तक के बच्चों की बात कर रही हैं, एज आई एम अ टीचर, मैं देखता हूँ उन बच्चों को कि हाँ इतना पोटेंशियल तो है उनके अंदर अगर सही से ट्रेनिंग करी जाए, लेकिन आपके हिसाब से क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए उनकी ट्रेनिंग का, कोई ओपिनियन? अच्छा, स्ट्रक्चर पे एज फरा ने काम किया है जैसे मतलब फ्रीबली पे, तो आपने एक्सपेक्ट, अपनी लेट मी एक्सप्लेन अ बिट क्वेश्चन, माय लेट मी एक्सप्लेन अ बिट, मैं कहना चाहता हूँ जैसे आपने अलग अलग एस्पेक्ट्स बताया, जैसे एम्पैथी हो गया, ओके, जस्टिस हो गई, और भी बहुत सारे आपने एस्पेक्ट्स बताए, तो एक छोटे से बच्चे के अंदर 12 साल की उम्र से पहले इन एस्पेक्ट्स को फीड करना और उनकी कुरान के साथ ट्रेनिंग करना, तो आपके हिसाब से क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? क्योंकि आई थॉट्स हो कि इसके लिए एक माहौल चाहिए होता है, क्योंकि एक जिस तरीके से सोर्स कोड काम कर रहा है, लेकिन वो एक ऑनलाइन वे है सिर्फ, तो ऑनलाइन वे में वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो सकता, एज आई थिंक सो आई एम एन ऑफलाइन गाय, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो सकता जो बच्चे को इतनी सारी चीज़ें और इतने पर्सपेक्टिव, जैसे एम्पैथी हो गया और इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, तो चलिए ठीक है सिखा सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन इतनी चीज़ें सिखा देना, आई एम नॉट थिंक सो। आप कुछ ओपिनियन देंगी क्या होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर वगैरह? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट फॉर स्कूलिंग सिस्टम, क्योंकि ये जो चीज़ है, जैसे मैंने आपको उसमें भी एक्सप्लेन किया कि इट इज़ ऑल अबाउट द सिस्टम। पूरे सिस्टम में पेरेंटिंग और एजुकेशन मिलके काम करती है, और जो वैल्यू सिस्टम है वो अकेला कभी भी काम नहीं करेगा। जैसे हमने जो स्ट्रेटेजीज में भी डाला था, एक्टिव बेस्ड लर्निंग होगी। वैल्यू सिस्टम आप सिर्फ बच्चे को तब सिखा सकते हो जब आप उसके सामने अमल कर रहे हो, या ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करेंगे बच्चों के सामने कि एक्टिविटीज उस तरह की होंगी कि ओके, अब दिस इज द एक्टिविटी जिसमें यू हैव टू बी अ थीफ और यू हैव टू बी अ पुलिसमैन या एक जस्टिस। अब आप कैसे इस पे फैसला करोगे, इस तरह की एक्टिविटीज होंगी जहां से बच्चा ये वैल्यू सिस्टम सीखेगा। वैल्यू सिस्टम पढ़ा के नहीं सिखा सकते आप कभी भी, तो वो दिखाना होता है। और जैसा टीचर्स ट्रेनिंग में, जैसे अभी नेक्स्ट हमारा जब उस पे वर्किंग होगी, टीचर्स ट्रेनिंग में टीचर्स वो चीज़ें, वो सिनेरियोस क्रिएट करेंगे जहाँ पे बच्चे टेस्ट इस वैल्यू सिस्टम पे बेस पे बड़े होंगे। वैल्यू सिस्टम हमेशा सबलिमिनली आप करके सिखा सकते हैं। बच्चे के सामने आप बोल ही सच रहे हो और आपको पता है झूठ नहीं बोलना, तो वो बच्चा उसे खुद ही सीख जाएगा। तो ये एक्टिव बेस्ड लर्निंग करके दिखाना है और टीचर्स ट्रेनिंग, ये दो फैक्टर्स इन माई ओपिनियन मिलेंगे। और पेरेंटिंग तो ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम के साथ हमने करनी है रिलेट। जब ये सारा कुछ इस तरह से इन्वेलप होगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू सिस्टम तब बच्चे के अंदर फिटिंग होगा, इन माय ओपिनियन। ओके, थैंक यू मिशेल। उम्मे जैनब, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। उम्मे जैनब, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। उम्मे मोहम्मद, आपको दोबारा रिक्वेस्ट सेंड की है, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम हाँ मेरी आवाज क्लियर? जी, थोड़ी लाउड बोलिएगा। अच्छा, इसमें जो बच्चे वाली बात हो रही है, कि इसके अंदर कैसे हमने इस चीज को करना है, जो सबसे पहले उसकी दिलचस्पी को क्रिएट करना है ना हमने इसके अंदर, कि वो खुद क्या है वो करने के लिए। मतलब हम सिर्फ अभी अपने तौर पे ये कर रहे हैं, हमें ये करवाना है, उसे ये करवाना है, ये करवाना है, ये यानी वही, ये तो वही हो गया जो कुछ हो रहा है अभी तक। सबसे पहले तो जो उसकी फिलोसफी बन चुकी है, उसके घर में वो जो कुछ देखता रहा है, उसको हमें अपना बनाना है पहले, और फिर जो हम उसे सिखाना चाहते हैं उसके लिए उसको मेंटली इमोशनली प्रिपेयर करना है, कि उसकी अपनी उसमें इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हो जाए, कि वो खुद दिल से उन चीजों को सीखना चाहे।
तो दो तरह के बच्चे हमारे पास हम बोल सकते हैं, एक वो जिनकी वाकई इस तरह की पेरेंटिंग की गई है कि जो अब आगे इस तरह बढ़ना चाहें इसी चीज में, और एक वो जो आम माहौल से आएंगे बिल्कुल, जिनकी किसी कोई अच्छी पेरेंटिंग या कुछ भी अंडरस्टैंडिंग इस तरह की ना हो। तो अब इन दोनों के साथ हमारा हमारे टीचर्स को और हमें इतना ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, और ऐसे एम्पथी के साथ और इतने उसके साथ उन्हें लेके चलना पड़ेगा कि वो खुद से करना चाहें वो सारा कुछ अचीव जो हम अब कह रहे हैं कि हम उन्हें ये कर देंगे ये कर देंगे ये कर देंगे। जब तक वो बच्चा उसमें नहीं इंटरेस्टेड होगा, हमारी कोई भी कोशिश उस तरह कामयाब नहीं होगी। बस मुझे ये कहना था कि हमने उसके उसकी तरफ से इस पॉइंट को हमने अभी अपने तौर पे हम कह रहे हैं कि हम उसको ये सिखाएंगे ये सिखाएंगे ये सिखाएंगे, हमें उसको देखना है कि वो क्या सीखना चाहेगा। तो सबसे पहले हमें इस पे मेहनत करनी होगी कि वो भी सीखना चाहे वो कुछ जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। ये मेन पॉइंट मेरी बात। मिशेल, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? सॉरी मैम, नो। मैं मोहम्मद, मुझे भी कुछ आपकी बात क्लियर नहीं है। आप प्रिसाइज करके कुछ क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं? इसमें क्वेश्चन आपका क्या था, ये जरा क्लियर नहीं है। प्लीज रेज योर हैंड, आई मिस्ड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। मूसा, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम क्वेश्चन अस्सलाम। सोर्स कोड एकेडमिया पे मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मेरा बेटा वहां से अरबिक सीख रहा है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता अदर चैप्टर्स, तो कम से कम बुक्स तो मार्केट प्लेस पे आनी चाहिए ना, ऐसी जो बच्चों के लिए हम उन्हें घर में उनको तालीम दे सकें, अगर हम वहां तक अप्रोच नहीं करते, क्योंकि अल्लाह कब किससे किसी टाइम कुछ काम ले ले ये तो हम नहीं बता सकते ना। किसी के वालदैन को अल्लाह इतनी एबिलिटी दे दे कि वो अपने बच्चे में वो चीजें पुट कर दे, क्योंकि करने वाला तो अल्लाह है। तो कम से कम ऐसा करिकुलम मार्केट में आना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को खुद कुछ ना कुछ ट्रेन करवाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अभी तक बुक्स का ही नहीं पता कि कौन सी बुक्स हमें बच्चों को पढ़ानी चाहिए। हम वालदैन में इतना लैक ऑफ नॉलेज है कि हम लोग उसको ही नहीं अभी तक उस काबिल ही नहीं हुए कि हम लोग वो सिलेक्शन कर सकें, क्योंकि सर साहिल अदीन तो इस काबिल हैं और उनको पता भी है, और हमारा ये सब सिस्टम इसी वजह से ही चल रहा है। तो उनको ये चाहिए कम से कम बुक्स मेंशन कर दें या बुक्स बना के मार्केट प्लेस पे आनी चाहिए, ताकि जो वालदेन चाहें वो अपने बच्चों को उस तरफ लेके जा सकें। क्योंकि मैंने बहुत सी बुक्स कलेक्ट की है, मुझे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि सर लोगों का तो एक सिस्टम है ना, उन्होंने एक सिस्टम से लेके चले हैं वो सबको। तो फिर बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट प्लेस पे आए। मेरी ये सजेशन सजेस्ट था कि सब लोगों को बुक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपने छोटी उम्र से बच्चों को कौन सी बुक्स की रीडिंग करवाएं, ताकि उनके दिमाग में वो चीज बैठ सके, ना कि अभी हम इस सिस्टम को देखेंगे कब ये सिस्टम बनेगा, कब हमारे बच्चे सिस्टम में जाएंगे, वो बहुत टाइम लगेगा। तो अभी हमें बहुत जरूरत है जितनी जल्दी हो सके हम अपने बच्चों के अंदर ये चीजें ये सब जो हमारे अकायद हैं उनको हम पुट कर सके। क्या उमर मूसा, आपका क्वेश्चन हम फरा से ले लें? जी जिस जो मर्जी इसका आंसर कर दे। हाँ, फरा जो है वो करिकुलम के हवाले से बात कर रही थी। फरा, आर जी यू विद अस? आप इसका आंसर करेंगे?
जी जरूर इंशाल्लाह। जैसे वो कह रही हैं कि बुक्स ऐसी हों कि जिनसे इस तरह कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो और अल्लाह की पहचान भी हो और उनको ट्रू डेफिनेशन, कामयाबी की ट्रू डेफिनेशन भी मिले। तो इसी पर्पस के लिए ही ये रोड मैप दिया है हम दोनों ने, मशल ने और मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि इस करिकुलम को हम बनाएंगे खुद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर ये बुक्स इंशाल्लाह जाहिर है इन पे किसी एक के लिए बाउंड तो नहीं होंगी, सबके लिए ही होंगी वो। और ये सिर्फ स्कूल सिस्टम के लिए नहीं, अकेडमीज मदरसा सिस्टम के लिए भी होंगी, मसाजिद के लिए भी होंगी कि मसाजिद में भी वो कुरान पाक के थ्रू साइंस पढ़ सकें। जो बच्चे सिर्फ मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज कर रहे होते हैं या वो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, तो वो कुरान पाक को एज अ सिस्टम पढ़ाएं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पे हम अपनी पूरी एफर्ट्स पुट करेंगे और इंशाल्लाह ये करिकुलम और ये बुक्स हम पब्लिश जरूर करेंगे इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ IMS टीम। इंशाल्लाह ताला। जाहिर है कि जब आपने चेंज लाना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो समझ लें कि कोई ट्रेंड चलता है और मार्केट में आते हुए टाइम लगता है। इसी तरीके से अब हम एक स्टेप्स ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला बुक्स भी हमें भी पहचान होने लग जाएगी, और पेरेंट्स को भी इसको ऑब्जर्व करना है कि जी किस बिल्कुल तरीके का करिकुलम जो है वो चलाया जा रहा है ऐसे सिस्टम्स में। जी। और इसमें हमारे स्कूल सिस्टम जो है वो होम स्कूलिंग में डायरेक्ट नहीं जा सकता, और जो होम स्कूलिंग चला रहे हैं उस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम इसी स्कूल सिस्टम में ही स्लोली, मतलब बिल्कुल महसूस हुए बगैर अगर हम इसको चेंज करना स्टार्ट कर दें, यानी अब हम जाके सीधा ये कह दें कि हमने करिकुलम चेंज करना, तो वो स्कूल वाले नहीं मानेंगे। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता हमको कन्विंस करके अगर स्कूल्स में हम ये प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दें, यही अगर IMS टीम ही अब जहाँ जहाँ वो रह रही है उसी एरिया में जो जो स्कूल्स वो अप्रोच कर सकती है वो प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दे और प्रिंसिपल्स को अगर कन्विंस कर लें, तो इंशाल्लाह इसी स्कूल सिस्टम में, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल के अलावा बच्चे अपने ज़्यादातर नहीं भेजते कहीं भी, ऑनलाइन भी अक्सर मोस्टली यही होता है कि स्कूल में ही पढ़े बच्चा और या एकेडमी में, तो स्कूल का है मेन फोकस। लेकिन इंशाल्लाह साथ साथ इसमें हम मसाजिद मदरसा हर इंस्टीट्यूट को करेंगे फोकस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट उम्मीद जैनब, आप अनम्यूट कर लीजिए, और हम अब दो क्वेश्चंस और लेंगे, उसके बाद हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। तो काइंडली जिनके क्वेश्चंस हैं वो फीडबैक फॉर्म में फिल करें, फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया जाएगा चैट में। जी उम्मीद जैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मैं इधर सिस्टर का पहले तो सवाल का जवाब देना चाहूंगी, जिन्होंने कहा था कि एक बुक होनी चाहिए जो हमें डेफिनेट हो कि हम पढ़ाएं बच्चों को, जो पढ़ें। तो बड़े अफसोस के साथ मुझे इसका जवाब देना पड़ रहा है कि देखें, एक किताब जो देखें ना, खालिक की किताब है कलामुल्ला, और अल्लाह ताला की जात का, जात के जो इरफान का एक वाहिद जरिया हमारे पास जो है ना, वो अल्लाह का कलाम है। डायरेक्ट जो एक जरिया है ना जिससे हम अल्लाह को डायरेक्ट पहचान सकते हैं। तो देखें, ये तो हर घर में ये किताब मौजूद है और बिल्कुल एक डेफिनेट किताब है। तो सबसे पहले तो इसको, इसका पढ़ना जो है हर हाल में लाजिम है। और अभी ये जो सिस्टर ने प्रेजेंटेशन दी, जिन्होंने ये बात की थी गोल्डन ईरा के, जो उन्होंने साइंटिस्ट उन सब की बात की, और ये बात मैं बहुत कम उम्र में मैंने नोट की थी जब हमने आई थिंक मैट्रिक में ये चीजें पढ़ी, तो मैं इस कदर हैरान होती थी कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बयाक वक्त कोई एक साइंसदान भी है और जो है इस्लामी अलूम भी सारे सीखे हुए हैं, और बल्कि सिर्फ साइंस की किसी एक फील्ड शाख में नहीं, साइंस की जो मुख्तलिफ शाखें थी उनमें उन्होंने जो नाम कमाया। तो उधर मैंने जो एक बुनियादी चीज जो सभी में मैंने देखी थी ना यकसा तौर पर,
उन्होंने सभी ने पहले बहुत कम उम्र में मदारिस की तालीम जो है ना मुकम्मल की थी पहले। और ये जो इधर कुछ भाई और सिस्टर्स ये पूछ रहे थे कि क्या ये पॉसिबल है कि इतनी कम उम्र में ये चीजें, तो वाकई मैं तब भी मैं हैरान थी ये पढ़ के, और ये किताबों में मैंने बातें पढ़ी हुई हैं कि बहुत कम उम्र में 8 में और इससे भी कम कम उम्र में ये पढ़ा था हमने कि तो उन्होंने मदारस की तलीम से जो है ना फारिग तहसील हुए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इसके लिए लेकिन जो एक मेरे ख्याल में जो बुनियाद थी वो सबसे पहले कुरान मजीद को जो है ना मुकम्मल उन्होंने किया, और कुरान के साथ जिसने हदीस पढ़ ली, जो लोग ये पढ़ते हैं पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि ये किस तरह आपके आईक्यू में इजाफा करती हैं, और ये चीजें आपको एक ऐसी बुनियाद फराहम करती है कि उसके बाद कोई दुनिया का इल्म जो है ना वो आपको उसको समझना, उसमें जो कमाल पे पहुंचना वो कतई मुश्किल नहीं है। तो ये जो एक तो ये कि बच्चों को हम किताब कौन सी दें, और इधर मैं ये बताऊंगी मैंने पर्सनली इसको जो है ना एक्सपीरियंस किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह IMS से भी कनेक्टेड हूँ, और जो है ना सर साहिल का भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोटिवेशन की वजह से मैं ऑनलाइन जो है क्लास कंडक्ट करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन इसमें तरक्की हो रही है, और पढ़े लिखे लोग जो हैं माए हाउसों पे हाउस वाइफ और जाबियन जो औरतें हैं वो भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन आ रही हैं, और मुस्तकिल वो जो इसमें इसका हिस्सा बन के मजीद नए लोगों को लेके आ रही हैं। तो ये है कि माएँ खुद सबसे पहले जो कुरान खुद पढ़ें, और बच्चों को लाजमी जब तक हम इस कुरान इस किताब की तालीम लाजिम नहीं करेंगे तो याद रखें जो चाहे गोल्डन ईरा ले लें जिधर भी उस पीक पे हम कभी भी पहुंच नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला ने हमें बताया, ये कुछ दिन पहले भी मैंने एक सेशन में ये बात की थी कि अल्लाह ताला सूरह इनाम में फरमाते हैं कि क्या भला वो शख्स जो मुर्दा था उसको हमने जिंदा किया, मुर्दा से उलमा ने मुराद वो हिदायत से महरूम शख्स भी लिया था, उसको हयात दी यानी कि उसको हिदायत दी, तो फिर अल्लाह ने उसके लिए एक नूर मुकर्रर किया, यानी कि नूर क्या है ये कुरान। अब वो लोगों में इसकी रोशनी में चलता है, यानी कि हर तरह का जो भी वो कदम उठाता है वो इसकी गाइडेंस के थ्रू सारा कुछ करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ये वाला शख्स और वो शख्स जिसके पास नूर नहीं है जो अंधेरों में भटक रहा है क्या ये बराबर हो सकते हैं? तो जब शुरू से ही एक बराबर ही नहीं रहा, जिसके पास कुरान की रोशनी नहीं है, कुरान की हिदायत नहीं है, गाइडेंस नहीं है, अब वो बंदा और दूसरा बंदा जब वो बराबर ही नहीं है तो उनके इल्म की पीक या नेक्स्ट लेवल जो भी उन्होंने अचीव करने नॉलेज के वो नामुमकिन है। और सिस्टर की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने कहा कि टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। नो डाउट अभी जो सरकारी स्कूलों में भी ये जो कुरान की तालीम लाजिम करार दी गई है, अब वो हमारे बच्चे भी आगे बताते हैं कि टीचर्स बस वो कहती हैं इतना को पढ़ लो ये ठीक है, तो जब तक टीचर्स की भी ट्रेनिंग में सवाल ही नहीं एक्सक्यूज मी, आई होगी। एम कटिंग यू जी एंड बिकॉज प्रेजेंटेशन नहीं, हमने क्वेश्चंस लेने हैं ना। आपने जी बहुत जी अच्छी मिसाल दी है, थैंक यू सो मच, जो कुरान की आयत कोट की है। और जी हम नेक्स्ट ये सजेस्ट करेंगे कि जो क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ लें, क्योंकि हमारे प्रेजेंटर अवेलेबल हैं जी और जी उनको हमने होल्ड किया हुआ है कि आपके आंसर्स देख सकें। जी शुक्रिया। ठीक अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। मैं मोहम्मद फुरकान आपको अनम्यूट कर रही हूँ, अगर आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लीजिएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जस्ट अपना एक ओपिनियन शेयर करूंगा और क्वेश्चन करूंगा रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन। जो दो प्रेजेंटेशन हुई है हमारी, एक एजुकेशन के वाले से और दूसरा करेक्टर बिल्डिंग के वाले से, कुछ काफ़ी सारी कुछ इंफॉर्मेशन जो इस्लामिक हिस्ट्री से कोट की गई हैं, स्पेसिफिकली इन द एज परस्पेक्टिव और नॉलेज के परस्पेक्टिव। तो जैसे सिस्टर ने रेफरेंस दिया था कि ये मैंने ये सारी चीज़ों को यानी कि गूगल स्कॉलर से, आर्टिकल से इन चीज़ों को मैंने गैदर किया है। तो इज़ इट पॉसिबल फॉर एनी प्रेजेंटर, लाइक कोई भी प्रेजेंटेशन अगर होती है उसमें कोई रेफरेंस कोट किया रहता है, कोई बात कोट की जाती है, तो ये बहुत अच्छा होगा उन सब के लिए जो लोग ये सुन रहे होते हैं प्रेजेंटेशन, कि अगर एक बड़ी प्रिसाइजली कोई PDF फॉर्मेट में उन आर्टिकल्स का या उन रेफरेंसेस को अगर शेयर कर दिया जाए, तो सब लोग अगर जैसे देखे ना, हमने इसको पढ़ा है, इसको सुना है अभी, तो इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा कोई इसमें डेप्थ में जाना चाहता है मजीद, तो उन आर्टिकल्स का, उन रेफरेंसेस को अगर शेयर किया जाए विद द प्रेजेंटेशन, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा हम सब के लिए, ताकि हम उसको इन फ्यूचर भी अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, अपने बिल्डिंग के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हम उसको यूज़ कर सकें।
और इज दैट पॉसिबल फॉर दैट? जी अस्सलाम वालेकुम फरकान, आपके पास ना हर सेशन में फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर किया जाता है, इस सेशन में भी हुआ मल्टीपल टाइम्स। उसमें आप मेंशन कर दें कि आपको प्रेजेंटेशन जो है ना वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में चाहिए, उसके अंदर रेफरेंसेस ऐड होते हैं, वो आपको मिल जाएगी। वो जिसको चाहिए होती है वो फीडबैक फॉर्म में रिक्वेस्ट कर देता है, उसको सेंड कर दी जाती है। एक प्रेजेंटेशन होती है जो पीपीएफ पीपीटी में मिलती है, मैं जी बात कर जी रहा हूँ एक पीडीएफ फॉर्मेट की विद रेफरेंस जो उसके उसके एंड में साथ जो रेफरेंसेस ऐड मिलती होते हैं। है। ओके ओके दैट्स फाइन। जी जी ओके बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। हम यहाँ पर अपनी मीटिंग को एंड करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी रहे और प्रेजेंटेशंस भी माशाल्लाह से फ्रूटफुल थी, कि कम से कम आप आइडियाज़ को लेके चलते हैं और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो सब पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया कि वो इतनी देर तक हमारे साथ रहते हैं, और हमारा भी हौसला बढ़ता है और प्रेजेंटर्स का भी। थैंक यू सो मच अपने फीडबैक फॉर्म में। डॉक्टर नूर, फीडबैक फॉर्म अनाउंस कर दें जी एक दफा दोबारा से। बिल्कुल जी 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 फीडबैक फॉर्म जो है वो चैट में दे दिया गया है, और आप लोग उसमें ज़रूर अपनी सजेशंस जो हैं वो शामिल करें, जो हमारे लिए फर्दर इम्प्रूवमेंट का भी बायस हो, और कोई चीज़ अगर कोई क्वेश्चन है उसको भी एड्रेस किया जा सके। थैंक यू सो मच। आप लोग फीडबैक फॉर्म को कॉपी कर लें या देख लें, जी, एक इंशाल्लाह दो मिनट ताला। ले लें, लिंक कॉपी कर लें, बाद में हाँ भी जी, आप लिंक लोग इसको कॉपी फिल कर कर लें, सकते हैं, लिंक लाइव होगा। जी लिंक जो है वो आप कॉपी कर लें, अपने पास सेव कर लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नूर, वालेकुम एक सलाम। मिनट मुझे दीजिएगा। आप सब जितने भी लोग मौजूद हैं उनके लिए एक और भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, बेशक आप लोग प्रेजेंटर की बात से इतफाक करें ना करें, उसमें चीज़ ऐड करें उसमें वो गलती हो, मगर आज की जो प्रेजेंटेशन थी उससे आपने सिर्फ उन पॉइंट्स के अलावा आज की प्रेजेंटेशन में जो मेरे लिए सीखने की सबसे अच्छी चीज़ थी वो ये थी, प्रेजेंटर्स का स्टाइल, उनकी टोनैलिटी परफेक्ट थी, उनकी पेस परफेक्ट थी, उनकी पिच, उनका साउंड, वो जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे थे उसमें उसमें भी हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अगर चीज अच्छी तरह यस प्रेजेंट की जाए तभी अगले को समझ आती है। तो वेल डन मिशाल फॉर दैट। थैंक यू सो मच हसन। जी जी इंशाल्लाह, जी नेक्स्ट टाइम होपफुली आप लोग इसका यूज यूटिलाइज करेंगे जो पॉइंट्स हाईलाइट है, और आगे फर्दर प्रेजेंटेशन जब आप लोग देंगे तो फिर आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से या इससे अच्छे तरीके से दें, ताकि आप लोगों को बात अपनी कन्वे करनी है। थैंक यू सो मच। मीटिंग को ऑफिशियली क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में आप सबसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।